अभी तक फूल नहीं लगा, ठीक से लगाओ। ए, थाली कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? बेटी की शादी में थोड़ी परेशानी होती है, ये सिर्फ मेरा नहीं आपका भी फर्ज है। ये क्या है, जहाँ भी देखो सजना संवरना लगा रहता है। चुप रहिए, तुम इन चीजों के लिए पागल रहती हो और वो तुम्हारा बेटा पूरा पागल है। ए, इसे उतरने के लिए बोलो। ए बेटा, उतरने के लिए कह रहे हैं, आजा बेटा। पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ था। अरे बाहर क्यों नहीं आता है रे? और क्या, इतनी रात गई अंधेरे में मेरी शादी करवाना चाहते हो? मम्मी देखो ना। अब गधे की औलाद, तेरी आंखों पर जो काला चश्मा पड़ा है उसको जरा उतार के बाहर आ देख। ऐसा क्या? अबे सीधा खड़ा रहा, अब देख। आप सही है, सूरज तो मेरे सर पर ही है। अबे देख, थोड़ा समझदारी से पेश आ। हाय मदर इन लॉ, ऑलवेज फाइन। अबे सारा मुंह बंद रख। श्री 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 कहाँ है? श्री कहाँ है? श्री ऊपर तैयार हो रही है। आप साइड में हो? श्री 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 फोटो में तुम ऐसी हो, सामने आ गई तो मेरा क्या होगा? वो मैं धूल साफ कर रहा था, देखो धूल है ना, धूल 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 साफ कर रहा था। श्री देखो, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। बस एक दिन रुक जाओ ना, फिर सीधे दे देना ना मुझे किस। अरे श्री सुनो सुनो सुनो, श्री सुनो ना, पिताजी आप सबको अंदर बुला रहे हैं, प्लीज जाइए ना। श्री तुम उन्हें अंदर क्यों भेज रही हो? एकांत चाहिए ना। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, सही किया तुमने श्री। मैं ना आपके गांव आई थी, तब मैंने आपके बारे में बहुत सुना। क्या सुना? यही कि चाहे कोई भी लॉक हो, आप बिना चाबी के खोल देते हैं। मैं गाड़ी चोरों से मालूम नहीं चल गया। श्री वो क्या है, रात में फिल्म जाने के लिए गाड़ी लगती थी और मुझे चाबी नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी एक कला सीख ली है बस। मैं नहीं मानती। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ बोलो? इसे खोल के दिखाओ। ऐसी गाड़ियाँ मैंने बहुत खोली है। ये देखो। शुरू हो गया, हटो यहाँ से। श्री क्या कर रही हो तुम? भैरव क्या हुआ? श्री मैं स्कूटी पर भाग रही हूँ। अरे तुम स्कूटी पर बैठी हो तो भाग कर कैसे जा सकती हो, चलाकर ही जाओगी ना। करेक्ट भैरव, मैं भाग कर नहीं जा रही हूँ, ना ही चलाकर जा रही हूँ। कैसे जाओगी? गायब होकर। गायब? अरे अरे अरे, कितना अच्छा चलाती है, कहीं सच में तो नहीं भाग गई? हे भगवान, श्री सच में भाग गई। चाचा जी, अब डीआईजी मिली को फॉलो कर रहा होगा, ये बात किसी भी तरह हरी तक पहुंचा दो। हरी कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, अब क्या करें चाचा जी? तुम लोग प्लान के मुताबिक चलते रहो, हरी जहाँ भी होगा 10:30 बजे तक किसी भी तरह वहाँ पहुँच जाएगा।
हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो 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 हेलो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चश्मा पहन लो। चश्मा नहीं पहना, हॉर्न नहीं बजा सकता क्या? चल बाहर निकल निकल। अब ज्यादा नाटक मत कर, इंजन बंद कर, पिछवाड़ा गर्म हो रहा है। ये ले एडवांस, और ये है वाउचर, साइन कर इस पर। क्या आप उन पे भरोसा नहीं है? मैं दिए हुए पैसों का हिसाब रखता हूँ, ये ले पेन और साइन कर। पुलिस स्टेशन में आज तक पेन इस्तेमाल नहीं किया। अरे पुलिस स्टेशन की बात छोड़, मुझे साइन चाहिए, वो अंगूठा छाप है। क्या रे, सुबह सुबह खून पी के आ गया है क्या? ब्लेड है क्या? गुंडागर्दी करने से पहले हजामत करता था। मैं 5 लाख रुपए तेरा खून देखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इसका खून देखने के लिए दे रहा हूँ। सभी गाओ, तू हमारी थी, हमारी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी, तू। ए चलो बस आ रही है, आओ चलो। क्यों हो गई? रोक रोक, ए रोक, सुनो उसे, यही कहीं होगा, सुनो। ए बता किधर आई है? आई है ये रहा। कैमरा क्यों चाहिए तुम्हें? कहाँ जा रही है? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे ये रेयर वीडियो है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चलना, वो जा रहे हैं। नहीं, मुझसे और नहीं भागा जाता, मैं नहीं आऊंगी। प्लीज आना। इस तरह किसी की जान लेते वक्त ऐसा वीडियो शूट करने के बजाय हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम भला उसे कैसे बचा सकते हैं? मतलब वो लोग उसे मार देंगे? देख, भगवान ऊपर से सब कुछ देखता है। आदमी की रक्षा करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। பாப்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 பா
लक्ष्मी। पूजा रुकनी नहीं चाहिए। इन कमीनों का बाप है ना? अच्छा बजा रहे थे तुम लोग, अब क्या साफ सुन गया क्या? बजा रहे देखा? साला कमीना छुपकर इधर बैठा है। ए, मैंने तुझे पैसे उसे मारने के लिए दिए थे, यहाँ झूला झूलने के लिए नहीं। उसे क्या समझ रखा है, मुझसे एक काम नहीं होगा। हाँ? उसका ट्रांसफर हुआ है ये सोच के मैंने ये काम लिया था। अपने बॉस से कह दो मुझसे ये नहीं होगा। अरे किधर जा रहा है? हाय, आप शिरीषा और आप? हाय, एसीपी वरुण नायक। उनकी बहुत अच्छी पिटाई की, मैंने सब रिकॉर्ड किया, एकदम एक्शन फिल्म लग रही थी। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? डैडी। डैडी? आपकी शादी हो चुकी है? कब की हो चुकी है? मेरे डैडी संतूर सोप यूज करते हैं और मेरी माँ रिन सोप यूज करती है। रिन सोप? कपड़े धोने के लिए। पूजा प्रार्थना सब कार्य हो चुका है, चले। सर, ये आपकी वाइफ है। श्री, हेलो। हमारी बस चली गई। कहाँ जाना है आपको? बैंगलोर। तो हमारे साथ चलिए। थैंक यू। तो मेरे साथ बैठो। अच्छा दीदी। आखिरकार इस कॉलेज के कैंटीन का मालिक बनना आज नसीब हो ही गया। क्यों बे, कहाँ खोया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हरी कहाँ है? इसलिए रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट तो नहीं होगा ना? रेड बटन प्रेस करना। लेकिन भाई कहीं ब्लास्ट हो गया तो? अरे बाप रे, कट गया। मैं हूँ कृष्णा अय्या, मैं हूँ आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला, आइस आइस आइस। इधर आ साले, इधर आ। क्या ये, क्या ये, क्या है? आइसक्रीम की घंटी। साउंड साउंड, बगैर आवाज के धंधा कर साले। हाँ, बगैर आवाज के धंधा कैसे कर सकते हैं भाई? ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, कर कर ट्राई कर। कर कर ट्राई कर भाई, ये मेरी रोजी है। एक लात मारूंगा ना, यहाँ नजर नहीं आएगा। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? साउंड साउंड कर कर कर।
हाय नताशा, हाय इधर इधर, देखिए तुझसे कुछ कह रहे हैं। क्या है? ऐसा ही चाहिए। भाई आज तो जाने दीजिए भाई, मेरी एग्जाम है भाई। तेरे जैसा आदमी जिंदगी में पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, चल अपना काम देख। भाई भाई समझने की कोशिश कीजिए भाई। ए, आज तू ये बात नहीं करता तो आज चौथे दिन पर तुझे इस काम से आजादी मिल जाती, लेकिन आज तूने ये बात फिर निकाली, इसलिए 4 महीने एक्सटेंड। कट कर, फ्लैशबैक का सीन कट कर, जो भी करना है साउंड के बगैर कर, ज्यादा हिल मत, परा ऊपर पहुंचा दूंगा। साउंड के बगैर? साउंड के बगैर नहीं होगा। ए हरी इसे देखना। पिंकी। हाँ? ये किसका फोन है? श्री दीदी का। जा देख रहा वो दीदी फोन। थैंक यू। वो वहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, नेक्स्ट टाइम तो नहीं आया ना, जबरदस्ती ले आऊंगी। 10 मिस्ड कॉल, वो भी एक ही नंबर से। किसका है? कौन हो सकता है? That's a good idea. Okay. Hello? हाँ जी कौन बोल रहा है? क्यों सर? वो क्या है, इस नंबर से मिस्ड कॉल आए हैं, इसलिए जरा मैं मैंने ही किया था। वो क्यों? कुछ काम नहीं था ना इसीलिए। हेलो, मिस्ड कॉल दिया तो दिया, अब मजाक भी कर रही हैं। ये बेकार की बातें साइड में रखो, ये अब पुराना हो गया है। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सब सुन सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ, बोर। अब कुछ अच्छा सोचकर नया ट्राई करो प्लीज। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, सीधा पॉइंट पर ही आता हूँ। गार्डन में चलें क्या? गार्डन में नहीं तो होटल में। होटल रूम में? तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम जैसी लड़कियों को ना ऐसी ही बातें बोली जाती हैं। अब चुपचाप फोन रख। स्टुपिड। कौन है रे? पता नहीं, मैंने मिस कॉल दिया ये बोलकर क्या क्या बकरा था। मिस्ड कॉल? कौन सा नंबर है दीदी, दिखाओ। ये तो मेरे चाचा का नंबर है। आज तो ये नहीं बचेगी। ठीक है। हेलो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? हेलो चाचू, मैं पिंकी बोल रही हूँ। अरे पिंकी तू है? किसका नंबर है ये, और मुझसे पहले किसने बात की थी? सफर में ना एक दीदी से मुलाकात हुई, शिरीषा नाम है उनका। शिरीषा? हाँ, बहुत ही अच्छी है, आपके लिए परफेक्ट मैचिंग है। ची। चाचू दीदी आपसे बात करना चाहती है। मुझे तो कोई मेंटल लगती है, उससे ज्यादा बातचीत मत करना और संभल कर आना। चाचू बाय बेटा। हेलो, ये क्या हुआ पिंकी? लगता है लाइन कट हो गई दीदी। चिल्लाया? हाँ, बहुत सॉलिड झाड़ दिया। क्या? पता नहीं कोई हाफ मेंटल थी। तुझे तो हाफ मेंटल सब मिलती है, मुझे तो कोई भी नहीं मिलती यार। अच्छा तो ये बता तुझे किस तरह की लड़की चाहिए। दीदी आप कैसे लड़की से शादी करना पसंद करोगी? आजा मेरे तू नोटिस, दिल में दिल बेचैन है तेरे लिए, कर ले फीलिंग लव की डार्लिंग, दिल में है प्यार तेरे लिए। सिद्ध है दिल ये, नादा है दिल ये, दिल को जरा संभाल, प्यारी ये जादू बड़ा है मुश्किल, दिल तुम अपना बचा ले। मैं क्या करूं दिल मेरा माने ना, प्यार ही चाहे बस तेरा दिल मेरा, ये प्यार में हो गया पागल दीवाना। दे दिल लपका मांगू मैं तुझसे नजाना, दे दिल प्यार में हो गया पागल दीवाना, दे दिल लपका मांगू मैं तुझसे नजाना, दे दिल आजा मेरे तू नोटिस, दिल में दिल बेचैन है तेरे लिए, सिद्धि है दिल ये, दादा है दिल ये, दिल को जरा संभाल, आजा रे दिल से नाचो, दिल से झूमो, लव के गाने दिल से गाओ, राधा ओ माय राधा, लव की इच्छा दिल में देखो, लव में लाइफ जी के देखो, राजा मेरी राजा। सुनो जाना मैंने माना, तुमको मेरी जाने जाना, तुम ही मेरे दिल में हो बात, मेरी मानो जाना, मैं क्या करूं, दिल मेरा माने ना,
दे दिल दे दे दिल है प्यार में हो गया पागल दीवाना दे दे दिल लपका मांगू मैं तुझसे नजराना दे दे दिल दे दे दिल क्या सोच रही हो तुम पिंकी? पिंकी का क्या? अपना ये बच्चा होने के बाद पिंकी भी तो खुश ही रहेगी। भैया भाभी के देहांत के बाद तुमने उसका सगी बेटी की तरह ख्याल रखा है। पता नहीं वो भी उसका इतना ख्याल रख पाते कि नहीं। और वैसे भी हमारा बच्चा होने पर पिंकी को भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश रहेगी। उसे एक कंपनी मिल जाएगी, उसका वक्त अच्छे से कटेगा, है ना? आई टू स्वेर। व्हाट स्वेर? जिंदगी भर हमारा ये प्यार भरा संसार इसी तरह चलता रहे, इसका ख्याल रखूंगी। आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट दैट। बाय द वे, मैं दूसरे बच्चे के लिए भी तैयार हूं। या ना इडियट। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूदेवताभ्यो नमः। और बताइए राव जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है सर। ये बताइए आपने अपना ट्रांसफर इसी थाने में क्यों करवाया? गलती हो गई सर। अरे सर जल्दी करो। वेलकम सर। रहने दो, इन सब फॉर्मेलिटीज का कोई मतलब नहीं है। हार पहनाना, ताली बजाना, वो इन सब महान नेताओं के लिए काम। सर, इस शहर के सभी गुंडे अपराधियों की फाइल लेकर आइए। ऑलरेडी लाकर रखी है सर। गुड। सुरे, राजा, शिवा, शंकर नाम के आदमी की भी फाइल होनी चाहिए। सेक्शन शंकर की बात कर रहे हैं सर। व्हाटएवर, कहाँ है? लाता हूँ सर। गेट इट सर। ये फाइल खाली क्यों है? सर वो सर उसकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में सबको पता है, लेकिन उसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा सर, इसलिए फाइल खाली है। सर 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 मुझे बचाइए सर। सर सर मुझे बचाइए सर। सर मुझे बचाइए। देवनगर में थोड़ी सी जमीन है सर, आज मैं वहां भूमि पूजा करवा रहा था सर, अचानक वहां कुछ गुंडे आए और हमें मार कर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया सर। हाथ जोड़े पैर पड़े फिर भी वो नहीं माने सर। सर मैं अकेला बचकर वहां से भाग आया सर, उन्होंने हमारे सारे लोगों को मार डाला सर। सर सर एक आदमी मेरे पीछे छुरा लेकर भागा सर, वो तो भगवान भगवान पत्थर बनकर आ गए और मेरी जान बचा ली सर।
कहाँ हुआ ही? सर सर वो क्या हुआ ना सर, सर की वो पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया सर, बेचारा उसका छुरा उसी को लग गया सर, मर गया सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। उठो उठो, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। सर yes, कोई सर। बात नहीं सर, मैं खुद ही हॉस्पिटल चला जाऊंगा सर, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए सर। रुक जाओ सर, एक मिनट। भला करेगा सर। कौन है ये? जिस सेक्शन शंकर की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, यही है। अब यहां जो कहकर गया है वहां उसका उल्टा हुआ होगा। सब मर गए भाई? अभी नहीं, कुछ लोग बाकी हैं। कौन बाकी है भाई? सॉरी दोस्तों, सेक्शन के लिए। सर देखिए उसकी चालाकी, एक छोटा सा सबूत भी नहीं छोड़ा उसने। उसका बैकग्राउंड क्या है? सर अपना सेक्शन ही उसका बैकग्राउंड है। सबसे पहले वो भीख मांगा करता था, बाद में कोर्ट के पास चाय का धंधा शुरू किया, वकीलों से पहचान बनाकर झूठी गवाही देना शुरू किया। सारे सेक्शंस की जानकारी हासिल करके उसका नाम सेक्शन शंकर पड़ गया। बाद में लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर झट से अमीर आदमी बन गया। अब उसके नाम पर कोई केस नहीं है, राजा महाराजा की तरह बिना किसी डर के घूमता है सर। ये यहाँ आप इसे जानते हैं सर? मैं इसे कमला नगर में मिला था, वहां इस पर अटैक हुआ था, तब बचाया था मैंने। सर नमस्ते सर, कहिए। परसों मेले में कुछ लोगों ने मर्डर करने की कोशिश की थी ना? यस सर। इमीडिएटली उनमें से किसी एक को पकड़कर मेरे पास लेकर आइए। सर 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 सर, एक्सक्यूज मी सर, ये हत्याएं कैसे हुई आप हमें विस्तार से बताएंगे? किसने की और आप क्या कदम उठाने वाले हैं जरा विस्तार से बताएंगे? अरे ऐसे चुप रहेंगे तो इन सभी हत्याओं के मैटर को पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है ऐसा लोग समझेंगे सर। माइक हाथ में आने पर कुछ भी नहीं बकना चाहिए, ओके? ये क्या है, आप समझते क्या है? मीडिया वालों पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हैं? सूर्यकांत यहाँ के, इन्हें जीप में डालो। ये हमें क्या जीप में डालेंगे, तुम रिकॉर्ड करो, इन्हें बताते हैं हम क्या चीज हैं। ये सारी हत्याएं पैसों के लिए की गई हैं या आपसी दुश्मनी की वजह से की गई हैं, इसका खुलासा पुलिस को मीडिया के सामने करना ही होगा। यहाँ आए नए एसीपी वरुण नायक, इसके बारे में क्या कहेंगे हमें इसका इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं राम नारायण। देखा रही? हाँ भैया। ये प्रेस वाले बात बात पर पुलिस वालों पर उंगली उठाने लगते हैं, इन लोगों को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। भैया एक आइडिया है। वो क्या? इसे ले जाकर टैंक में डाल देते हैं। ये काम अभी जाके कर, पीड़ा दूर हो जाएगी। हाँ यही करता हूँ। अरे रे 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 रे, नालायक, डोंट टच कैमरा, मुंह फोड़ दूंगा, मीडिया के साथ पंगा मत लेना। पूरे देश को ये मीडिया वाले हिला कर रख देते हैं। हाँ। सारे लोगों को फ्रीज कर देते हैं। हाँ। ये बात मैं तब से सुनती आ रही हूँ जब से मेरी इनसे शादी हुई है। अरे बेटी लक्ष्मी जी, पिताजी मेरे ये दोनों सपूत मेरा कैमरा पानी में डालने की बात कर रहे हैं। कंप्लेन कर रहे हैं, ये तो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें उनकी क्या गलती? लेकिन भाभी भैया के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे तो किसे बर्दाश्त होगा? ये हुई ना बात। हाँ। चुपचाप इनका कैमरा इन्हें वापस करो। इधर नालायक चोर कहीं का। कोई बात नहीं भैया, एक बड़ी आइडिया है, जल्दी इन्हें उठाकर पानी में डाल देते हैं। अरे जल्दी जा, देर मत कर, बेटी मुझे बचाओ। भाभी क्या भाभी, आप भी ना। ए तू क्या हंस रही है, तू क्या? मैं इस घर में सबके लिए बोझ बन गया हूँ, पानी में डालेगा ना, डाल दे मुझे। तुम होपलेस बेटों को जन्म देने वाला हाई क्लास बाप है ये, मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े गुंडों को अपनी उंगलियों पर ऐसे नचाया है मैंने। तुम किस खेत के मुंह गन दिखाकर मुझे डराना चाहता है? ये देखा ना बेटी लक्ष्मी। दादू थर-थर कांपना यही है क्या? ये कप का पहाड़ अलग है, वो कप का पहाड़ अलग है। देख मेरे भाई, ये 50 एकड़ मेरा है, मेरे 50 एकड़ छोड़ के आपके पास 50 एकड़ था ना, वो भी मेरा हो गया। लोन दे शंकर। देखिए चेयरमैन साहब, आप अपने गुडविल बैंक से 5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दीजिए, फिर 10 महीने बाद 10% के कमीशन के हिसाब से आपको आपका सारा पैसा वापस। आपकी बात तो सही है पर हैवी अमाउंट है, बोर्ड के परमिशन के बिना। नमस्ते सर। है चेयरमैन साहब यहीं पे, एक मिनट देता हूँ, लीजिए बात की। बता दी ना, कौन है फोन पर? हम बात कर रहे हैं ना, तू शांत रहे। तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं फॉर्मेलिटीज सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर। ये सब आपके साथ है ये पहले ही बताना चाहिए था ना सर। ठीक है सर, अब आपका काम हो जाएगा। नींबू रखिए अपने पास, सब अच्छा होगा। वैसे
मुझे 3 लाख रुपए लोन देंगे क्या? नैनो कार खरीदनी है मुझे। नैनो कार तो 2 लाख में मिल जाती है तो सर। कार मैं आपकी बैंक में पार्क करूंगा क्या? पार्किंग नहीं चाहिए उसके लिए। हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ। अरे देख नहीं चला सकता है? अरे अभी से खरीद कर 5 साल भी नहीं हुए। चलो जाने दो, चलो चलो गाड़ी चलाओ। You stupid idiot, fool, country brute, can't you see I have fallen down here? Don't you have common sense? गालियां सुनकर भी बेशर्म की तरह खड़े हो? हाँ, गालियां दे रही हो? मुझे गालियां दे रही हो? अंदर कौन बैठा है पता है तुम्हें? कोई भी बैठा हो उससे मुझे क्या? पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगी, जो करना है कर लो। आओ भाई आओ, मैंने कहा गाड़ी के अंदर कौन है पता है तो ये बोलते है कोई भी है, मुझे क्या करना है उससे? ए, बेकार में लड़की के मुंह क्यों लग रहा है रे? लड़की ऐसी होती है क्या? सॉरी बोल दे। सॉरी। इससे बोल। सॉरी। हाँ, गलती हमारी है। क्या है? पहले ठोकर मारते हो और फिर सॉरी कहते हो? मेरी स्कूटी कौन ठीक करवाएगा? मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? एनीवे, आई एम शिरीशा। भाई शंकर भाई। व्हाट डू यू डू? आप क्या काम करते हैं? सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब? वही है मतलब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। सॉरी कॉलेज आ गया है। थैंक यू सर। ओके। पम 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 पम। वाव, लगता है कोई नई चिड़िया कॉलेज में आई है। बहुत सॉलिड आइटम है बाप। मेरी गाड़ी आ जाएगी? गाड़ी भी आ जाएगी। लेकिन कब तक? अरे मतलब कि कॉलेज घंटी बजने से पहले गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। ये लो, तब तक उसको रखो। ओके, थैंक यू सर। बाप रे, ये सेक्शन शंकर की बहन है क्या? पता नहीं अब इस कॉलेज का क्या हाल होगा। भगवान, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं देखा, भागो। This is Super Cow right here. Hey, I'm a dancing robot. Come a lady now. I'm gonna show you, lady. It's time to freaking out. Come a lady. Now moving, moving, moving. You are so looking crazy. Wow. My heart is screaming, baby. Every time I like you, girl. This is for you, baby girl. I got no patience. Let me show you all the naughty tricks. I'm the super. Hell, listen. This is Super Cow right here. साले पागल, साले सुबह सुबह नागिन के साथ खेल रहे हो तुम लोग? रुको, रुको, सुनो, सुनो, रुको, रुको, शांत हो जाओ। ये लड़की कौन है पता तुम्हें? सेक्शन शंकर की बहन है सालो। चुको, चुको। अगर ये इसी तरह मेंटेन करूंगी तो पूरा कॉलेज मेरे मुट्ठी में होगा। बहन 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 बहन, इतना क्या सोच रही हो बहन? कम से कम मेरे लिए नहीं तो इन कमीनों ने मुझसे जो उधार लिया उनके लिए ना माफ कर दो बहन, प्लीज बहन। हाँ हाँ, ओके ओके, ये पहली बार है इसलिए मैंने माफ किया। थैंक यू बहन। उठो उठो, भागो भागो। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। हाँ एक मिनट, ये तुम्हारे हेयर पिन, ये लो पकड़ो, चलता हूँ। आइसक्रीम की गाड़ी। हेलो, बाजू में ही कैंटीन है, जाकर जो चाहिए खा लो। बहन मैं भिखारी नहीं हूँ, उस कैंटीन का मालिक मैं ही हूँ बहन। तो फिर यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? अब क्या कहूँ बहन, इस कॉलेज में मवाली लड़कों का बैच है, उन्हें पैसे नहीं दिया बोलकर मुझे मेरी कैंटीन से बाहर निकाल कर वो खुद कैंटीन पर कब्जा कर बैठे हैं। तुम तो सेक्शन शंकर की बहन हो ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट की बात नहीं है बहन, तुम मेरी तरफ से उन मवाली लड़कों के पास जाकर सिर्फ एक खोल दो, अगर अपने भाई का नाम लेकर मुझे मेरी कैंटीन दिला दोगी तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ठीक है। घंटी वाली आइस, मस्ती भरी आइस, प्यार वाली आइस, आइस आइस। नमस्ते सर। hey! मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है? ये कैंटीन मेरा है ना सर? हाँ तुम्हारा है, वो कैंटीन तुम्हारी है, तो क्या हुआ? उस हरी से कहकर इस कैंटीन से मुझे बाहर निकाल के ये हैंडओवर करने वाले महाशय आप ही है ना सर? ये सब जानकर भी तुम्हारा क्या उखाड़ लेगा? ऐसी बातें करते वक्त आगे पीछे देखकर बात कर सकते हैं ना सर? क्या आगे पीछे देखूं? क्या आगे पीछे देखूं? ये देखा, कोई मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। ये देख पीछे, कोई मेरा कुछ।
उखाड़ सकता है, बाप रे। लॉट लॉट में उखाड़ सकता है। सिस्टर, एक्चुअली बात क्या है कि ये और मैं सब जानती हूँ। क्या मुसीबत है पता नहीं आज सुबह किसका मुंह दिखा। शराफत से इनका कैंटीन इन्हें दे दो, अंडरस्टैंड? सिस्टर, कैंटीन इसे दे दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? बहन, इसको जिंदा रखना है या मारना है इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दो। तुम कैंटीन में जाकर फ्री में पेट भरकर जो खाना है खाओ, जाओ। Hey friends, come. अरे सिस्टर, केले के छिलके। भाई, कैंटीन के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा भाई? जैसे मैं गुजारा करता था वैसे तू भी कर कबूतर। कबूतर? इन गालियों से बेहतर कबूतर ही है। बजा घंटी, ऐसे साउंड आना चाहिए। बजा। ए वीरू, ये क्या तूने उसकी ये गाड़ी भी छीन ली क्या? मैंने नहीं छीना, बल्कि उसने मुझसे छीना। अरे उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाई? गुरु, हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है। आइस, आइस। बहुत बड़ी पटाखा है क्या? वो कौन है पता है? कौन है? सेक्शन शंकर की बहन है। सेक्शन शंकर की बहन? क्या तूने उसे मेरे बारे में बताया क्या? हा? बताया। हाँ। उसने आपको अंदर बुलाया है। भद्रकाली का रूप लेकर बैठी है, जाओ। भद्रकाली का? ये क्या कह रहा है? ऐसी बातें करके डरा क्यों रहा है? हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा करना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मिली कैंटीन मेरी, कैंटीन मेरी। भाई, सेक्शन शंकर की बहन ने मुझे बुलाया है भाई। भाई, सेक्शन शंकर की बहन ने मुझे बुलाया है भाई। बार बार वही क्या बोल रहा है? मैं बहरा हूँ क्या? नहीं भाई। तो अब तुझे पता चल गया कि मेरी पहुँच कहाँ तक है? हाँ, पता चल गया। हाँ, जा जा। That movie was really nice. Yeah, you must have been... वो मेरा नाम हरी है, आपने मुझे बुलाया क्या? वो तो तू है ही, बैठो। अच्छा, तो बहुत बड़ा कुंडा है क्या? कल ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है। ओके, ओके। अगर तेरे किसी लफड़े के बारे में मुझे पता चला ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। ठीक है मैडम। वार्न करने के लिए बुलाया था मैंने। जाओ जाओ, बोल रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? चुपके। तू महारानी की तरह जाओ जाओ कहकर ऑर्डर किसको दे रही है? हाँ, तुझे पता भी है? ए, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? सेक्शन शंकर की बहन हूँ। सेक्शन शंकर की बहन? वैसे मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं किसी बहुत बड़े गुंडे की बहन से प्यार करूँ। तुझे पता है क्यों? ये बात तेरे भाई को पता चलते ही वो मुझे मारने के लिए कुछ 10-15 आदमियों को भेजेगा। वो चेज, वो फाइट, वो रनिंग, सोचो कितना मजा आएगा। और वैसे भी तू कितनी करारी है यार। अगर तुमने गलती से भी मेरी तरफ बुरी नजर से देखा ना तो मेरे भाई तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देंगे। मेरी आंखें फोड़ देगा क्या? चल, तेरा फेस देखा, तेरी बैग देखी, तेरी कमर भी देखी। चल उसे मेरी आंखें फोड़ने का बोल। आय हाय, तेरे होंठ ना। डोंट टच मी। वो क्यों? सब देख रहे हैं इसलिए शर्म आ रही है क्या? हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। हाँ, आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा क्या? बस एक बार झप्पी पालू में आजा 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 आजा। नहीं, मैं सेक्शन शंकर की बहन नहीं हूँ। क्या सेक्शन शंकर की बहन नहीं है? मेरी लव स्टोरी का मेजर एक्शन एपिसोड मिस हो गया। क्या बोला? चल अब बहुत हो गया तेरा नाटक। जब तक ये टाइगर कॉलेज में है यहाँ मेरा हीरा चलेगा। मेरे आंखें बंद करके 1-2-3 गिनने तक तू और तेरी ये कचरा पलटन आंखें खोलने से पहले गायब हो जाने चाहिए, ठीक है? चलो एक। बस अभी कौन है? मुझे भी एक चांस दे दो, मैं भी कल्टी मार लेता हूँ। खीर तो बहुत अच्छी है, खाओगी? ये लो। फोन। कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगा। ड्यूटी फर्स्ट। थैंक्स। मिली का है? ओह, से हाय। या हाँ मिली, एनी प्रॉब्लम? सर मुझे प्रॉब्लम है, ये बात आपको कैसे पता? सडनली मुझे फोन किया, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, बताओ। आप समझ रहे हो, वैसे ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हमारे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझसे कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे डराते रहता है सर। मतलब क्या करेगा? मैं भी नहीं जानती सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आप ही को मेरी मदद करनी होगी। मैं अपने किसी ऑफिसर को भेज देता हूँ, वो देख लेंगे। आप यहाँ पर आइए सर, बिकॉज़ ही इज वेरी डेंजर। तुम लोग जाओ रे। किससे बात कर रही थी? वो फ्रेंड। बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? नो, जस्ट फ्रेंड। चलेगा? हरी। हाँ शेरी। हरी, बोलो ना। हाँ बोलो ना। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी तो। हाँ तो करो। उसमें क्या है? अरे यहाँ नहीं, कल सुबह 10 बजे JB पार्क में आना, वहीं बात करेंगे ना।
तुम आओगे ना? मुझे पिटवाने का प्लान तो नहीं है? ओके चल निकल निकल। थैंक यू। चल फुट यहाँ से चल। सर मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। मुझे पूरा सीन अच्छे से समझ में आ गया। तो फिर आप आएंगे ना सर? चलो ठीक है, मैं खुद ही वहां आता हूँ। थैंक यू। ए हरी बेटा, समझ ले अब तो तू मेरे हाथों में फंसी गया। बहन हाँ? उस हरी को लौटाने का काम पूरा हो गया? हो गया है। अब की बार तुम भले ही उसे छोड़ दो, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस जंग लगे छुरे से मारोगे क्या? बहन मर्डर करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इसीलिए अगर इस जंग लगे छुरे से उसे मारूंगा और वो गलती से बचकर भाग भी गया तो सेप्टिक से मर जाएगा। ठीक है तुम्हारी मर्जी। ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट मिलकर कलरफुल सीन बनाने की फिराक में है लग रहा है। मुझे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वो झाड़ी नजर आ रही है तुम वहाँ जाकर छुप जाओ। उसके यहाँ आते ही मैं उसे वहाँ भेज दूंगी। ओके 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 ठीक है जाओ। हाय हाय, कुछ पर्सनल बात करनी है कहा था, क्या है? वो मैं एक मिनट। ओके हेलो सर, कहाँ है आप? मैं यही हूँ, भाग दे। आप पहुँच गए ना सर? लंगूर जो तुम्हारे साथ में खड़ा है भैया क्या? हाँ सर। एक काम करो, किसी तरह उसे बाहर भेजो, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है सर। अब श्री क्या हुआ? पानी चाहिए क्या? मैं अभी लेकर आता हूँ। सर एक सुपर आइडिया करके मैंने उसे पानी लाने भेज दिया है, अब क्या करना है? अरे फोन नीचे रखो ना। सर आप यहाँ पर? हाँ बिल्कुल वही है ना। हाँ सर। इसे मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं सोच रहा था कभी ना कभी तो हाथ में आ गई, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब तुम ऐसा करो, वहाँ वो झाड़ी नजर आ रही ना, मैं उसके पीछे रहूंगा, उसके आते ही उसे वहाँ भेज देना। सर आप भी उसी झाड़ी के पीछे? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ अगर कोई जानवर वगैरह होगा तो। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से डरता नहीं। ओके उसके आते ही उसे भेज देना। हरी आएगा सोचा था ये कौन नया आदमी आ गया, शायद अपने जैसे ही डील कर रहा होगा। ये लो श्री। इतनी देर कहाँ थे? पानी चाहिए था ना, लाने गया था। अरे वो छोड़ो। हाँ? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया पता है? क्यों? एक आदमी है ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अच्छा? अभी यहाँ आकर उसने मुझे चुटकी काटी, मुझे छुआ, मुझे किस भी किया। किस किया? अब कहाँ है वो? वो ना अब उस झाड़ी के पीछे है। बे जो हमारी कॉलेज की लड़की को परेशान करता है, साले तेरी इतनी हिम्मत। ओहो तो तू ही है हाँ? हेलो जरा इधर घूम। मैं अबे साले भाग कहाँ? कॉलेज जाने के बजाय यहाँ गार्डन में गुलछर रहे हो? मेरी फ्रेंड को कोई परेशान कर रहा था। उसी फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताया कि पार्क में कोई मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज जल्दी से आकर मिलिए। तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं उससे हेल्प ही करने आया था भैया। अच्छा किसे? फ्रेंड को। अच्छा सिर्फ फ्रेंड ही? सिर्फ फ्रेंड ही है भैया। तुम दोनों भाई हो, दोनों मिलकर उस लड़की को इस रेंज में परेशान कर रहे हो? हाँ अगर तुम लोगों को कोई लड़की अकेली मिल गई ना तो तुम लोग उसे निचोड़ कर रख दोगे, निचोड़ कर रख दोगे। पुलिस की तरह क्या राउंड अप कर रहा है? तू कौन से कार्टून चैनल से निकल के आ रहे? कॉलेज कैंटीन का गया गुजरा आदमी है भैया। क्या गुजरा आदमी है, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। रुक जा खड़ा रह। आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे देख लूंगा। श्योर ना? श्योर। ये देख लेगा तुझे? हाँ बेटा अभी दिखाता हूँ, उधर देखो। उधर है? तेरी जात का। क्या हुआ? साले को अच्छी तरह से धो दिया मैंने। धो डाला? और क्या, मुझसे पंगा लेगा तो मैं क्या उसे छोड़ूंगा? हाँ चल अब घर चलते हैं, तेरा काम हो गया ना। Come on हरी, come on। Yes, yes। ठीक है बेटा ठीक है, देख ले अभी मैं कैसे खेलता हूँ। Come on। Yes, yes, superb। जरा एक मिनट। Yes, yes। जरा बाहर जाओ। Hey, बात मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बहाना बनाइए। हाँ, ये ठीक है। अरे चुप करो यार। मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं भी बात नहीं कर सकता और आप भी बात नहीं कर सकते। भाभी को तो जाओ। भाभी ये लो बात करो। शेरी का है, इसमें क्या टेंशन? हेलो अरे भाभी ऐसे नहीं, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, जरा रोनी की एक्टिंग करो। हेलो
हेलो दीदी, वो कैसे हैं? कौन? आपके पति? ठीक नहीं है सीरी, तबीयत ज्यादा खराब है। अब खराब है ऐसा ये दोनों कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। कौन दोनों? डॉक्टर और नर्स। आप हॉस्पिटल में हैं क्या? अरे घर में घर में हैं। सब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कोल्ड, सर्दी, साइनस। कोल्ड से साइनस हो गया। वायरस। साइनस पर वायरस बैठ के टाइफाइड में टर्न होकर रेड और व्हाइट सेल के बीच में फाइट होने की वजह से ओफो कंडीशन बहुत खराब है। अब थोड़ी देर और बात करूंगी तो मेरा भी यही हाल होगा। बाय। हां सुपर भाभी। क्या यार, कॉलेज में एक भी मॉडर्न लड़की नहीं है क्या? जिसे देखो डिसेंट ड्रेस में आ रही है, आंखों को ठंडक पहुंचे, ऐसी कोई लड़की नजर ही नहीं आ रही। क्यों, तुझे कोई भी नजर नहीं आ रही क्या? वहां देखना यार, पूरी जॉकी नजर आ रही है। ए, वो जॉकी नहीं है बेटा, टॉमी है बे। परेशान क्यों होते हो, चलो उसी से चलकर पूछते। हाय बेबी। यस। व्हाट्स योर ब्रांड? व्हाट? नो प्रॉब्लम, आई सी माय सेल्फ। अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर गलती करना अच्छी बात नहीं। क्या हो रहा है? अरे हरी के लिए ये तो आम बात है। सी 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 सी, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि वो एक मवाली है। ए सर, बेटा फर्स्ट आवर में क्या है? फर्स्ट आवर फ्री है, लेक्चरर नहीं आया। अच्छा, फुटबॉल का मैच चल रहा है, चलो ना देखते हैं। वहाँ पे तू क्या देखने जा रहा है ये फालतू का मैच? यही दिखाता हूँ तुझे असली फुटबॉल मैच। अब मेरे चुप रहने से बाहर आया हुआ मेरा यह खून देखकर मेरे अंदर का खून भला यूं ही चुप कैसे रह सकता है? थैंक्स मत कहो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां पढ़ने आती हैं, उन्हें छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ ही उन लड़कों ने मिसबिहेव क्यों किया पता है? जरा सोचो, तुम घर से बाहर निकलने से पहले हम कॉलेज जा रहे हैं या क्लब जा रहे हैं, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। तुम्हें इन घटिया कपड़ों में, जवान लोग तो क्या 80 साल के बुढ़े भी आके फाड़ फाड़ कर देखेंगे। आगे से ऐसे कपड़े मत पहनना। चलो। आई एम सॉरी। निकलो। देखो सीरी, हरी के बारे में अब तो पता चला ना, हरी को अच्छी तरह से पता है कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। बेकार में उस काले सांड की बात सुनकर तुमने हरी को गलत समझ लिया। वहाँ पार्क में क्या हुआ ये बात हरी को जाकर बताओ। चलो चलते हैं। हरी 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 हरी। हाँ श्री। आई एम सॉरी। किस लिए? तुमने पार्क में जिसे मारा था वो गुंडा नहीं था। तो कौन था? स्पेशल ऑफिसर वरुण नायक था। आई एम अ फूल। मैंने तुम्हें गलत समझकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काया और एक्शन लेने को कहा। चलो जाने दो, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। तुम क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? मैंने कल रात उन्हें फोन किया था, उनकी पत्नी कितनी परेशान लग रही थी पता है? छे, मुझसे गलती हुई, मैं खुद उनके घर जाकर माफी मांगूंगी। मैं भी चलता हूँ, लगता है ये घर है। तुम्हें कैसे पता? कॉमन सेंस है यार, यहाँ पर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। ए, कम हियर। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? क्या है, तुम्हारा घर है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा घर नहीं है। ऐसे अंदर क्यों जा रहे हो? I'm sorry, अब गलती नहीं होगी। मुंह बंद रखकर चुपचाप चलो। अच्छा अब ये फर्स्ट लाइन दी। हाय। ओह हाय शिरी। अरे बाप रे, कहीं मेरी फोटो ना देख ले। हाय दीदी। हाय पिंकी। दीदी वो एक्चुअली क्या हुआ था? अरे पिंकी होमवर्क। माँ, मंदिर में हमें एक लड़की मिली थी, बहुत सारी बातें करती थी, बताया था ना, ये वही है। अच्छा ये वही लड़की है। दीदी आप अकेली आई है क्या, आपका कोई फ्रेंड नहीं आया? हरी आओ, अंदर आओ ना।
शर्माता है। फ्रेंड? नहीं, दूर का रिश्तेदार है। ओहो, दूर का रिश्तेदार है। माता जी, नमस्ते। शर्माओ मत बेटा, इसे अपना ही घर समझो। घर तो बहुत अच्छा है आपका। हाँ, ये मेरे छोटे बेटे के लिए है, उसकी शादी में दूंगी। बैठो ना, बैठो। माता जी, घर में कुछ चकली, फरसान, चिवड़ा वगैरह है कुछ खाने को? हेलो मिस्टर दूर के रिश्तेदार, हमारे घर में जो कुछ भी है वो इतने सही से कैसे बता रहे हो? बताओ। बिल्कुल सही कहा। नहीं माता जी, ऐसी चीजें ज्यादातर लोगों के घर में होती ही हैं, इसलिए पूछ रहा था। हे बंदरिया, चुप कर। ए, इसे कुछ मत कहो। पिताजी इतना मिस कॉल क्यों दे रहे हैं? उन्हें पता नहीं मैं घर पे हूँ। कहाँ है वो? भैया ऊपर है। अरे 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 अरे, ये यहाँ क्यों आए? क्या हुआ तुझे? अरे पानी लेकर आओ। दीदी, कल आपकी बातें सुनकर लगा कि इनकी तबीयत बहुत सीरियस है, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है ये फिट एंड फाइन है। सर, उस दिन मुझे पानी में धकेल दिया और आज मेरे घर पर आकर बैठा है। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ये क्या कर रहा है? मुझे कोई रोका नहीं आज। मैं बेटा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। पिताजी, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। लाओ, मुझे दो, मुझे दो गन, मुझे दो। तुम नहीं जानते इसे, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी सारी तनख्वाह चुरा कर ले जाता है चोर की औलाद। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो, पीछे देखकर बात कीजिए, सिचुएशन को समझिए। अरे क्या सिचुएशन? नहीं समझता तू इसे? नहीं जानता, मैंने इसे चड्डी पहनना सिखाया और इसने मेरी चड्डी में से पैसे चुराया। मारना चाहते? पक्का मारना चाहते? बुलेट भरी हुई गन मुझे क्यों दी? ये ले। शीरी, खुद कंफ्यूज होकर मुझे भी कंफ्यूज मत करना। ये जो देख रही हो वो सच नहीं है। तुम्हारा दूर का रिश्तेदार ये हरी है ना, वो हमारा बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। हाँ? एक बार वहाँ तो देखो। ठीक है, मैं देख लूंगा। ये कैसी है? बहुत अच्छी। हाँ बोलिए। एक मिनट आया मैडम। मैं संभाल लूंगा, कोई बात। डोंट वरी, मैं देख लूंगा। कम विद मी, आई विल शो यू समथिंग। क्या वो? कम? कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे सर, प्लीज सर, सर प्लीज। देखिए, आप लोग जाइए यहाँ से। आज कोई फोटोग्राफ भी नहीं मिलेगा और ऑटोग्राफ भी नहीं मिलेगा। आज कोई मैं स्टार उस्टार नहीं हूँ, आज मैं सिर्फ समलता का पति अमरनाथ। ये क्या कर रहे हैं? डोंट डिस्टर्ब देम। जाइए प्लीज, जाइए जाइए। क्या मुसीबत है, आज पूरे दिन मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, मैंने ऐसा इनसे वादा किया था, लेकिन यहाँ आते ही ऑटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये लोग बिना परेशान कर देते हैं। तभी तो सर, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आपकी डांट में भी एक मतलब होता है, जानते हैं। आप जरा इन्हें भी कुछ समझाइए सर। क्या कहते हैं एसीपी साहब? मैं एसीपी हूँ, ये आपको कैसे पता? मैं फिल्म इंडस्ट्री में बिजी हो सकता हूँ, राजनीति में बिजी हो सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है सर। अच्छा सर, आप दोनों को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे होम मिनिस्टर थोड़ी नाराज है। दिल इनके पास है और मन ड्यूटी में लगा है, इसी बात पर नाराज होना। करेक्ट दीदी, मेरे दिल की बात आपने कैसे जान ली? 20 सालों से इनके दोस्तों के बीच, लोगों के बीच, गैप गैप में ही इनके साथ जिंदगी गुजारती आ रही हूँ। तुम्हारे प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा और किसको समझ में आएगी भला, बोलो। बस यूं ही मजाक कर रही थी। सुमा, तुम दोनों जाकर कुछ सेलेक्ट कर लो। कम जॉइन मी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम नहीं कर रहे हो। हर हफ्ते एटलीस्ट 1 घंटा पत्नियों के लिए निकाल लेना चाहिए, फिर चाहे वो सब्जी खरीदने के लिए ले जाए, साड़ी खरीदने के लिए ले जाए, घी खरीदने के लिए ले जाए, तेल खरीदने के लिए ले जाए, उन्हें जो करना है वो करने दो। इस तरह से हर हफ्ते, हर रोज चैन और सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। एक काम करो, एक म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाओ, उससे गाना बनवाओ, आर्ट डायरेक्टर को बुलवाओ, उससे सेट लगवाओ। देखो जाओ, बैठ के 4 बातें करो। This is a song for the new trend. Let's start. 1, 2, 3, go. Yeah.
बैठे हम बात कर लेंगे चार बात कर लेंगे सर। नमस्ते सर। हाँ अभी भी शहर पहुंचा हूँ सर। उसे लेकर कहाँ पर आना है सर? थाने में लेकर आइए। ठीक है सर, आता हूँ। सर वो जो आदमी मिला है वो गवाह बनकर सच बताएगा क्या? वो आदमी जो हमारे हाथ लगा है वो तो क्या उसका बाप भी सच बोलेगा? उस दिन क्या कहा था आपने? सेक्शन शंकर की फाइल ही नहीं। हाँ सर। अब देखना उसकी कहानी मैं कैसे खत्म करता हूँ। तेरा नाम क्या है? गणेश। तेरा? कुमार। इसे अंदर लेके जाओ। ये ऑटो ड्राइवर गणेश है, ये ऐसे क्यों भाग रहा है? चला जा, साइड में हो जा। सॉरी सर। इसका घर कहाँ पता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसे देखा था, ठीक ही था। तिथि, पुण्य तिथि, हमारे गणेश को मरे हुए आज 11 दिन हो गए हैं सर। भाई धूम लेंगे। 11 दिन हो गए सर। सर इनको मैं इतने से थे तब से जानता हूँ सर। वो क्या कहते उसे सर, बड़े अमीरों को होने वाली बीमारी है सर। वो इस गरीब बच्चे को कैसे हो गई सर? वो क्या नाम है? वो लुकामिया नाम का कैंसर है भाई। हाँ सर, बेचारा लड़का गणेश। मैंने भी उसके लिए हर तरह से मदद की सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, चला गया सर। सर
उसके बाप का चेहरा देखिए सर, उसकी माँ का चेहरा देखिए सर, बेचारी उसकी पत्नी को देखिए सर। छे ए वरुण, तो कुछ और करने यहाँ आया था लेकिन उससे पहले ही मैंने कुछ और कर दिया। ये है सेक्शन शंकर का स्टाइल। देख तो इसे, इतना सब जानने के बाद भी इसके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क। पुलिस वाला है ना भाई, पैदा होने पर भी डाउट होता है, मरने पर भी डाउट होता है। हमारे पास ये पेपर है ना, इसे दिखा दीजिए। चुप हो जाए। ये देख, डेथ सर्टिफिकेट। इसे जेब में रख। थैंक यू। जिस भीमा को हमने गिरफ्तार किया उसके मुंह खोलने से कहीं तो पकड़ा ना जाए सोचकर छोटा मोटा काम करके जीने वाले गणेश को भेजकर उसके हाथों भीमा को मरवाया, फिर उसे बच निकलने में उसकी मदद की और यहाँ आते वक्त उसे भी खत्म करके उसके 11वें दिन की तिथि मना रहा है। तेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वैसे तेरा कोई नाम हो तो बक दे। सेक्शन शंकर। अच्छा, मुझे एक डाउट है, सब लोग अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगाते हैं, ये सेक्शन शंकर का क्या फंडा है? कहीं तेरा बाप 302 केस में अंदर तो नहीं गया था? मर्डर वर्डर तो तू कर नहीं सकता, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और हिम्मत वाला तेरी तरह नहीं हो सकता। या फिर 307 आप मर्डर के केस में भी तू तो जचता ही नहीं, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और ये 312 420 तू उस लेवल का भी नहीं है रे। लेकिन एक चीज मुमकिन है, ये कचरे की औलाद जो गटर की कीड़े होते हैं उसे क्या कहते रे? दलाल। अरे इन्होंने पूछा ना भाई। तू उसी की पैदाइश होगा। पैदा होने का एक ही रास्ता होता है पर मरने के हजारों होते हैं। ऐसी मौत के पीछे छुपे हुए सच को ढूंढना ही वरुण नायक का मकसद है। ड्यूटी कर रहे पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है तूने, इतना ही काफी है तुझे घसीट कर अंदर ले जाकर जूते से मारने के लिए। चल सर। अरे हमारे भाई को कुत्ते की तरह। तू बहुत गलत कर रहा है। अरे रोको ना इन्हें। ए वरुण नायक, ये क्या कर रहे हो तुम? ड्यूटी कर रहे एक पुलिस ऑफिसर पर इसने हाथ उठाया, इससे ज्यादा मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तेरा नेटवर्क अच्छा है सर। यस सर। बज गया साले। अगर थोड़ी देर से आते तो मेरी वाट लग गई होती। टेंशन क्यों लेते हो? होम मिनिस्टर का फोन आया, डर कर भाग गया। भाई आपका गुरु बहुत अच्छा, आपको कुछ नहीं होगा। सर वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ है। उसके साथ और कौन करे यही जानने के लिए मैंने ये नाटक किया है। सर हमारे सामने से जो बचकर भागा था ना सर, उसे पकड़ते हैं। शतरंज के खेल में राजा को बचाने के लिए प्यादों की बलि दी जाती है, उसी तरह वो भी इस खेल का शिकार हुआ होगा। ए, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। क्या हुआ? घर पर ड्रॉप करने कहाँ था? कहाँ ले जा रहे हो? घर जाना है। कहाँ है? यही है। बाप रे, तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है फिर भी स्कूटी भी आती हो? अरे मैं तो बस से आना चाहती थी लेकिन पापा ने स्कूटी दिलवा दी। तुम्हारे पापा करते क्या है? He is a booming tycoon, but I like to be simple. Good. ठीक है, anyways, bye. अंदर नहीं आओगे क्या? नहीं, मुझे देर हो रही है तो मुझे चलना चाहिए। Are you sure? Sure. Bye. Okay, bye. Bye. बाप रे बाप, ये घर कम से कम 2-4 crore का तो जरूर होगा। 8 crore का है, 2-4 crore का नहीं है, पूरे 8 crore का है। हाँ बेटा, पूरे परिवार की जायदाद का हिसाब लगाएंगे ना तो 100 crore के ऊपर चला जाएगा। एक लड़की को जन्म देने वाला बाप उसके बेटी के पैदा होते ही दिन रात मेहनत करके उसके लिए पैसे इकट्ठा करता है और उसके बाद उस जवान लड़की को तुम जैसे लड़के एक चुटकी में पटाकर और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर उसे अपने हाथ में कर लेते हैं। सर आप श्री के पिताजी हैं? वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया, लड़का घोड़ा है, सुपर फास्ट है। क्यों ना हो, एक मामूली सी बाइक, 1 liter पेट्रोल, एक ठीक ठाक शर्ट और जेब में 500 रुपए का नोट, इतनी ही है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा बिजनेस है तुम्हारा। अब तक आपने जो भाषण दिया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर की एक कंफ्यूजन को आपने क्लैरिटी दे दी है। जानना चाहेंगे क्या? मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी ने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं कहा है, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। अगर हो सके ना
तो उसे रोकने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर उसने भी आई लव यू कह के कन्फर्म कर दिया तो उस दिन से 500 रुपए की नोट पर आपको गांधी जी नहीं बल्कि मैं नजर आऊंगा। चलता हूं ससुर जी। अरे यार लड़का है, आराम से हैंडल करना चाहिए ना, बिना किसी वजह के बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले अपनी शीरी के मन में क्या चल रहा है ये भी जानना चाहिए ना। हाय डैड। हाय। कॉलेज से ऑटो से घर आई हो ना? नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप किया था। कौन? संडे को जिसके साथ फिल्म गई थी उसी ने ड्रॉप किया क्या? नहीं डैड, हरी ने ड्रॉप किया। माँ उस दिन मैंने बताया था ना, फैमिली मेला बस पिंकी वो वाली फैमिली। डैड हम जिस जगह गए थे ना वो इतनी ब्यूटीफुल थी, पता, वी हैड सो मच फन। उस गांव के लोग, वो मेला, वो बड़ा सा शिवलिंग, वो पहाड़, वो गुफा, वहाँ वक्त कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। डैड हम सबको एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। ये शिवाजी नगर का सफी है सर, इसके इल्लीगल एक्टिविस्ट पूरे शहर में चल रहे हैं सर। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ भी इसके लिंक है सर। आगे बोलो सर। हर रोज अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाता है और लेकर आता है सर। हाँ। उस वक्त हम एनकाउंटर कर सकते हैं सर। ए, चालू रखो। सर छोड़ दो सर। दो चाय लेकर आ। जी सर, रूम उधर है। वजह से हमारे बैंक की रेपुटेशन खराब हो गई है। डिपॉजिटर उनका पैसा मांग रहे हैं और आप यहाँ बैठकर आराम से दारू पी रहे हैं। आपने जो श्योरिटी दी थी उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। कर लो बात, यहाँ हमारे पिछवाड़े में आग लगी है और ये अपना दुखड़ा सुना रहे हैं हमें। ओ चेयरमैन, बेकार में इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे तेरे हिस्से का कमीशन मिल जाएगा। मुझे कमीशन भी नहीं चाहिए और परसेंटेज भी नहीं चाहिए। आपने जो 5 करोड़ रुपए लिए हैं वापस कीजिए। देखिए मैं किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से वापस लौटने से पहले पैसे रेडी रखना। अगर तुम लोगों ने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा, फिर मुझे दोष मत देना। अरे इतना गर्म क्यों हो रहा है? आपको पैसा मिल जाएगा, देखिए तब तक आप ये रखिए, ये नींबू पहले भी आपको दिया था ना। चलता हूँ। भाई आप दोनों के नाम पर देवनगर में जो 400 एकड़ जमीन खरीदी थी ना, वो बेच दूं क्या? शंकर, उसे सच में पैसे वापस करने हैं क्या? और नहीं तो क्या, लिए है ना, देने होंगे। किसी ना किसी तरह सेटल करने की सोच रहे थे, ऊपर से ये टेंशन बढ़ गया। पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, इतने पैसे कहां से लाऊं? क्या करूं मैं, कुछ तो करना ही होगा। जान से मार देता हूं उस कमीने चेयरमैन के बच्चे को, जान से मार देता हूं। जानते हो ना ये कौन बोल रहा है? शंकर, सेक्शन शंकर, कुछ तो करना ही होगा, हंसा लाभ नहीं बचेगा। कौन है? तू एक आध बार कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता क्या? भाई फोन फोन फोन। बैंक वाला है। बात करो। हाँ चेयरमैन बोल। कैश तैयार है ना? क्या हुआ, पागलों की तरह क्या चला रहा है? ठीक से चला। कैश तैयार है ना? कहाँ और किसके पास भेजना है बता। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता,
अब की बार पैसे लेने मैं खुद आऊंगा। मुझे कहाँ आना है बताओ। चेयरमैन हार्ट अटैक से मर गया। सबकी तकदीर लिखने वाला भगवान है और उसे बदलने वाला सिर्फ सेक्शन शंकर। सर या एक सेकंड। सर गुडविल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है सर। देखने से लगता है शायद हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। यस सर। हाँ बोलो। एक कविता, हरी को देखा क्या? क्या फायदा, जब वो नहीं होता है तो तुम उसके बारे में बातें करती हो और जब सामने होता है तो दिल की बात छुपाती हो। ऐसी बात नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं होती यार। ऐसी बात सीधी उसी को बताना जरूरी नहीं। हरी जिनकी बात मानता है उन्हें तुम बता सकती हो। चल बेल बज गई, प्रैक्टिकल क्लास चलते हैं। ओह चलो श्री, तुम लोग जाओ ना, मैं नहीं आऊंगी। ओके बाय। क्या हुआ श्री, फिर कोई प्रॉब्लम हुई? यस सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या? मेरा कुछ खो गया है, उसके बारे में कंप्लेन करनी है सर। अच्छा, क्या खोया? ये बात मैं हरी से कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको फोन किया सर। छोड़ो मुझे, कहाँ तुम लोग, छोड़ो। ए, छोड़ो इसे। भैया आप, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, शायद इन्हें पता नहीं है, बताइए ना आप प्लीज। इस सेक्शन शंकर में कोई जमीर नहीं है। अरे इसीलिए तो बेटा तुम्हें ये लोग यहाँ पर उठाकर लेकर आए हैं। ये कहाँ ना भाई। कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। भाई इसका मुहूर्त कब रख रहे हैं? अभी रखता हूँ, देखता जा। भाई ये तो बड़े स्टाइल से हीरो की तरह यहाँ आया है, मतलब आज आपकी तो बैंड बजा कर ही जाएगा। मैं बाहर कुछ भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। तेरे कुत्तों को बॉल बीच में ना आए। ये बात कर रहा है ना, बात करने दे, बात करने दे। तू कहे तो बात करने के लिए, तेरी उंगलियों पे नाचने के लिए, तेरे आगे पीछे बीन बजाने के लिए अपना गुलाम समझाए क्या? औलाद अब देख तुझे कैसे फोड़ता हूं। Oh!
तुझे क्या लगा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कोई भी गैर कानूनी काम कोई सेक्शन न लगे उस मुताबिक करता है ना, आज तूने जो घटिया काम किया है वो मेरे लिए काफी है तुझे मार मार कर अंदर करने के लिए। लेकिन एक लड़की पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काट काट कर परेशान ना हो इसके लिए तुझे बख्श रहा हूं साले। लेकिन याद रखना, आगे से कभी मेरे रास्ते में आया तो एक मिनट, वहां जो भी हुआ अंदर बताने की जरूरत नहीं है, स्पेशली हरी को। वो मुझसे ज्यादा गुस्से वाला है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। आओ। हेलो, जो जहां कहीं भी हो मैं चाहता हूँ एक सेकंड के अंदर यहाँ हाजिर हो जाए। सब प्रकट हो गए। क्या हुआ जी, क्या बात है? बैग, चलो पीछे रहो। अरे पर... मैंने कहा पीछे रहो, चलो चलो। ए, क्या हो गया है तुझे? सवाल कोई नहीं करेगा, सिर्फ सवालों के जवाब देगा। एसीपी वरुण नायक आया है, अंडरस्टैंड? बोलो तुम। ए, मैं तेरा बाप हूँ। इस इंसान का कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। ए, मैं कौन हूँ ये तुझे पता नहीं है? बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े गुंडों को हिला कर रख दिया मैं। ठीक है ठीक है, बहुत हो गया। अब ये बताओ कि इस घर का मालिक कौन है? इस घर का मालिक मैं ही हूँ। शादी हो गई क्या? हुई है। कितनी औरतें हैं? जवाब दे। एक बीवी है और उसके तीन हैं। ये तीन क्या है? अरे बच्चे। अब तुम्हारी बारी। जी, जवाब चाहिए। इस घर के जो बड़े बेटे हैं ना, वो थोड़े पागल हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। सर, हमसे सवाल नहीं करेंगे क्या? आप तो खुद ही एक सवाल है ना। तो मेरे सवालों का ठीक से जवाब दे पाएंगे आप? ये कौन है? फ्रेंड है। फटाफट जवाब देना पड़ेगा, बोलो कौन है ये? फ्रेंड। ये कौन है? माँ। वो कौन है? पिताजी। वो कौन है? भाभी। और वो? प्रियतमा। हरिश्चंद्र जी, आपने पहले क्या कहा, जरा फिर से तो बताइए। बस फ्रेंड है मेरी। वो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, भाभी कुछ पूछ रही है, जरा बताइए ना। भाभी कुछ भी नहीं, भाभी जस्ट फ्रेंड है भाभी। ठीक से बता। बाबा क्या कर रहा है, ठीक से बता ना। हाँ बताओ बताओ। अरे यार बता देना। हाँ बोलना। बता दिया भैया। ए, बताना कौन है? सिर्फ फ्रेंड बता रहा है, प्रियतमा है, बोल सीधे। क्या समझते हैं आप लोग, मैं डरता हूँ क्या? इसके पास खड़े होने से डरता हूँ क्या? इस पर हाथ रखने से डरता हूँ क्या? या अच्छा, इसको आई लव यू बोलने से डरता हूँ क्या? तो फिर आई लव यू बोलना। अरे अभी अभी तो कहा है। अबे तेरी तो ठीक से बोल, बोल, बोलते हैं भैया। बोल 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 बोल, चल बोल। बार बोलूं? कितनी बार बोलूं? अच्छे से बोल, क्लियर बोल, आई लव यू। अरे अभी अभी तो बोला था। बोलता हूँ क्या? आई लव यू। क्या चक्कर है, कोई नजर नहीं आ रहा है? क्या ये सब? जब से वरुण नायक ने इनको मारा सर, तब से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं सर। अरे राजा। अरे मैं हूँ ना यार, पहचाना नहीं क्या? ये क्या सूरत बना रखी है, शर्म नहीं आती तुझे? देखो राजा, आपको इस पुलिस की वर्दी में देखकर शायद भाई आपको अंदर आने की इजाजत दे दे। मुझे तो सुबह से अंदर ही नहीं आने दिया। ऐसा हुलिया बनाने के बाद मुझे अंदर आने दिया, इसलिए हम सुबह से हाय हाय करके नाच रहे हैं। हाय। ए शंकर। नहीं शंकरी, तुम्हें पता है मेरा अकाउंट नंबर 4-6, मेरी गाड़ी का नंबर 3-6, मेरे घर का नंबर 2-6, मुझे 6 नंबर बहुत पसंद है। मेरा पसंदीदा गाना पता है कौन सा है? क्या हुआ, जब हमें इस तरह देखकर तुम्हें इतनी घृणा आ रही है तो ऐसा हाल बनाकर नाचते हुए हमें कितना बुरा लगा होगा, सोचो। अपने सेक्शन की बीन पर शैतान की तरह पूरे शहर को हिलाने वाले सेक्शन शंकर के अड्डे में घुसकर मुझे कुत्ते की तरह मारकर खुद को मर्द साबित कर दिया उसने। मेरी जरा सी आवाज सुनते ही सुसु करने वाले ये लोग आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शंकर जा रहा है,
शंकर जा रहा है कह कह के उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जो होना था वो हो गया शंकर, अगली बार वो किसी कीमत पे नहीं बचेगा। ए, उसे क्या समझ रखा है, वो शेर है और कोई मामूली शेर नहीं है, इस राक्षस को धूल चटाने वाला शेर है। उसे हाथी की तरह मारना मुमकिन नहीं होगा, एक लोमड़ी की तरह जाल बिछा कर मारना होगा। मैं यहाँ हाथी हूँ या लोमड़ी हूँ ये जरूरी नहीं है, मेरी जीत हो उसकी हार हो ये जरूरी है। जीतूंगा मैं, उसे मारकर जरूर जीतूंगा। उसकी मौत पर शंख मैं बचाऊंगा। सॉलिड कहानी है यार। श्री का फोन है तो उठा। अरे यार हेलो। हाय हरी। हाँ बोलो। दिव्या की शादी के लिए यहाँ 3-4 दिन रुकना होगा, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, यहाँ आओ ना। मैं और तुम्हारे गांव आओ? कोई चांस नहीं है मैडम, मुझसे प्यार करती हो इसलिए आई लव यू बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जहाँ कहोगी वहाँ जाऊंगा। जरा सोचो तो, कितनी अच्छी बात है तुम अपने गांव गई हो, है ना? वहाँ नए नए लोग आए होंगे, उसे मिलो, एंजॉय करो और आराम से अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शादी खत्म करके आ जाना। बाय बाय। क्या कहा उसने? मिलना है कहा ना, इसलिए भाव खा रहा है। श्री वो आ जाएगा, आने तो दो, बात ही नहीं करूंगी। अरे चुप बैठ यार, तू नहीं समझेगा, इनकी हर बात मानने लगे ना तो हो गया अपना। तो तू उससे मिलने गांव नहीं जाएगा क्या? कोई चांस ही नहीं है। हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तू दुर्योधन का गेटअप पहन के हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र कर रहा है। ए चल भाग यहाँ से। श्री श्री श्री, पता है ये इस गांव के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। हाँ इनका नाम है सेवाराम। श्री श्री श्री, पता है ये कौन है? ये पता नहीं, हमारी टीम में थोड़ा नया है। श्री यू नो ये कौन है? ये ब्लेड शिवा है, ये मुंह में हमेशा ब्लेड रखता है, जंग लगी हुई ब्लेड। अरे यार हम यहाँ श्री का गुस्सा ठंडा करने के लिए आए हैं, मगर इस नौटंकी को देखकर मेरा सिर गर्म हो रहा है। बेटा इस मैटर को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। किरिश श्री, मेरी बात तो सुनो श्री, सुनो। तुमने मुझे पत्थर मारा, ऊपर से पोज दे रहा है, पत्थर क्यों मारा मुझे? वो क्या है ना, तुम बहुत सुंदर हो ना, इसलिए पत्थर मारा। अच्छा ये कहने के लिए तुझे मैं ही मिला हूँ साले? रुकिए, तो नया नमूना आ गया बे। ए कौन हो तुम? दरअसल तुम्हें पत्थर मैंने मारा। हाँ? क्या कर लेगा तेरी तो साले। एक मिनट भाई भाई भाई, आपके गांव में न्याय नीति धर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? हमारे गांव का नाम है धर्मपुर। वहाँ क्या गांव है, क्या गांव है भाई? ऐसे गांव में किसी और की गलती की सजा किसी और को देना ये कहाँ का न्याय है? अच्छा ऐसा हुआ है क्या? अब देखिए ना, इन्हें पत्थर मैंने मारा, मारा ना, हाँ तो फिर इन्हें मुझे मारना चाहिए था ना, उसके बजाय किसी बेकसूर इंसान को मारना कहाँ का न्याय है बताइए आप? गलत है ना? गलत है, गलत है ना? गलत है। आपके गांव में गलती करने वाले को क्या सजा देते हैं? उसे पीटते हैं। मारो, 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 और मारो, मारो, और मारो, मुंह फोड़ो उसका, मारो। हाय, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ना नहीं, मार, और मार। श्री, ए, 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 बस, 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 बहुत हो गया, काम हो गया, चल चलते। बहुत बदन दर्द, चलते भाई। ए इधर आ। क्या है, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? भाई, भाई सही है, सही है, सही कह रहे, सही कह रहे, ये सही कह रहे। बोलिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसने मुझे पत्थर मारा, इसलिए मैंने इसे मारा। सही कह रहे, सही कह रहे। मैंने इसे मारा तो इसके हाथों मुझे पिटवाने की बजाय इन सबके हाथों क्यों पिटवा रहे हो? हाँ गलत है। हाँ ये कहाँ का न्याय है? अब तू फंसेगा साले, अब तू फंसेगा। मारो इसे। हे मामू, वो शहर वाले हमें उल्लू बनाकर तेरे श्री को उठा कर ले गए। अच्छा श्री 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 श्री। ए, वो देखो किस लिए उस भैंस के नाक में रस्सी बांधी है? वो क्या है कि जब वो छोटे होते हैं ना तो उनके अंदर घमंड बहुत होता है, उसे कम करने के लिए वो ऐसे रस्सी बांधते हैं। उसी तरह से लड़कियों के नाक पर भी गुस्सा ज्यादा रहता है और इसीलिए छेद करके नथनी लगाते हैं। अच्छा गुस्से के लिए छेद करते हैं क्या? तो फिर कान का क्या? कान में छेद क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। ए मामू, इस ब्लेड की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आज मैंने उसकी जबान नहीं काटी तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मैं भी। ए, तुम सब लोग इसके बाप की औलाद कैसे हो सकते हो? एक दो तीन चार। ए शिवा, हम 5 लोग आए थे ना, हम में से एक आदमी और कहाँ है?
ए, तू हंस क्यों रहा है? वो मिसिंग आदमी तू ही तो है। तो फिर ये कौन है? इसे कहीं देखा ऐसा हो रहा है? वहां देखना। भागो! लेकिन हरी तू मेरी फिक्र मत कर, लेकर जा। ओके जाओ। चलो श्री। हरी 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 क्या हुआ हरी? ये सब क्या है हरी? हरी हरी पकड़ो, चलो चलो हॉस्पिटल ले चलते। खींचो खींचो ऊपर खींचो। यहाँ सफाई करने आया तब मुझे ये लाश मिली सर। खींचो खींचो। और मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। सर, ये स्लिप मिली है इसकी जेब से। K05MH8277। शंकर सर, चेयरमैन की मौत कब हुई थी? April 2nd को सर। दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी। फॉर्मेलिटीज खत्म करके इमीडिएटली सारी रिपोर्ट मेरे पास लेकर। यस सर। आश्री, आश्री। हम तो यहाँ सेफली पहुंच गए। तुम बैठो। मगर वहाँ हरी का क्या हुआ तुम होगा? बैठो, मैं देखता हूँ। हरी सेफ है या नहीं एक बार फोन करके देखो ना। टेंशन मत लो, ये लो पानी पियो। शिट, स्विच ऑफ है। अगर हरी को कुछ हुआ ना तो मैं। श्री, हरी को कुछ भी नहीं होगा। I'll go and get him, okay? देखो, door lock करके जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? अरे यहाँ कोई आए ना इसलिए। ठीक है, जल्दी आना। गुडविल बैंक वाले लोगों के पैसे लेकर फरार हो गए हैं। इस बात को लेकर सभी अकाउंट होल्डर्स आग बबूला हो गए हैं। कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर लोग दहशत पर उतर आए हैं। इस बैंक ने लोगों के करीब 100 करोड़ रुपयों का गबन किया है। हमारे पैसे हमें वापस करो। बाहर निकालो सालों को। हमारे मेहनत के पैसे हैं ये। सब कुछ तोड़ दो। बाहर निकलो। हमारे पैसे चाहिए हमें। बाहर निकलो। ए रुको, पीछे हटो। साहब आ रहे हैं, रुको। बाहर निकलो। चलो साइड बैठो, साइड बैठो, बोले साइड बैठो। चलो। ए मैनेजर कहाँ है? तू यहीं पर है, मुझे पता है। बाहर आ जा। बाहर आ। सर, किसी तरह मुझे यहाँ से बचाकर ले जाइए सर, प्लीज। मैं यहाँ लोगों के पैसे वापस दिलवाने आया हूँ। पैसे होंगे तभी तो वापस देंगे ना सर। पैसे कहाँ गए? पता नहीं सर, उन्होंने किसी को लोन पर दे दिया है सर। किसी को मतलब किसे? सर, अगर मैंने उनका नाम बताया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर।
और नहीं बताया तो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। मारो इसे, छोड़ ना मत, मारो 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 इसे, मारो। स्टॉप इट, हटो 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 हटो। सर सर मुझे बचाइए सर। जान से मार देंगे क्या? ऐसा करके प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मार दो इसे। मारपीट खून खराबा आम बात हो गई है तुम लोगों के लिए। मारो मारो इसे, मारो। सब तुम्हें लोग करोगे तो हम किस लिए यहाँ पर? सर मेरे हायर एजुकेशन के लिए मेरे बाबा ने गांव की सारी जमीन बेचकर उसके पैसे इस बैंक में डिपॉजिट किए थे सर। अब अगर वो पैसे हमें नहीं मिले तो हमारे घर वाले आत्महत्या कर लेंगे सर। हम बहुत ही गरीब हैं सर, बड़ी मेहनत करके हमने ये पैसे जमा किए थे, किसी भी तरह से हमारे पैसे वापस दिलाइए। इसी तरह कितने बैंकों में धोखा हुआ है सर, हमें इसी बात का डर है, प्लीज हमें न्याय दिलाइए। इसने गलती की है ये जानकर आप लोगों का कानून हाथ में लेना इससे भी बड़ी गलती नहीं है क्या? हाँ आप लोगों का काम हो जाएगा, ये वरुण नायक का वादा है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। सर इन लाशों को देखकर मैं डर के मारे ऐसे ही मर जाऊंगा सर। मौत क्या होती है इसका एहसास दिलाने के लिए तुझे यहां लाया हूं, तू मुंह खोलेगा तभी इन्हें इंसाफ मिलेगा। हेलो हेलो भैया, मैं सिद्धू बोल रहा हूँ। हाँ बोल। नहीं कुछ नहीं, हरी को झगड़े में वो। हरी? नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटी सी चोट लग गई है। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो क्या Hello? क्या हुआ? ठीक से बता, मैं जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा घर में हूँ। क्या कहा भैया आपने? जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा घर में हूँ। ओके ओके भैया। हेलो 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 सर, कहाँ जा रहा है सर? गिरीश ध्यान रखना, मैं अभी है। हेलो वीरू, सुना कुछ झगड़ा हुआ? हरी कैसा है? झगड़ा हुआ है? आपको ऐसा किसने कहा? सिद्धू ने बताया। खैर छोड़ो, हरी कैसा है ये बताओ। सब कुछ बता दिया। हेलो, अब क्या कहूँ मैं? वीरू, हाँ भैया, झगड़ा नहीं हुआ है भैया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मामूली चोट आई है बस। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे अस्पताल में लेकर आए हैं। ये बताओ हरी ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। ट्रीटमेंट होते ही उसे कहना कि मुझे फोन करे, मुझे उसे बात करें। ओके भैया ओके। शिट, कमीना सलाह, यू स्टूपिड, जिम्मेदारी थी तुम्हारी, बोलो, समझ नहीं। hey, डॉक्टर क्यों मार रहे हैं इसे? देखिए ना सर, हमें अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का खून चाहिए था, हमारे पास स्टॉक नहीं है, दूसरे बैंक से खून लाने को बोला तो किसी और ग्रुप का खून लेकर आ गया ये, अब क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इमरजेंसी केस है। तुम जाओ, कौन सा ब्लड ग्रुप बताया आपने? ओ नेगेटिव सर। आइए मैं देता हूं। बेफिक्र होकर बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, बोलो सर। मतलब इस पूरे फसाद की जड़ उस शंकर ही है सर। शंकर, सेक्शन शंकर। सर वो आ गया सर, मुझे बचाइए सर। सेक्शन शंकर। डिपार्टमेंट ने सिर्फ तुम्हें ही गन नहीं दिया वरुण नायक। हाथ में पकड़ने से क्या होता है, चलाने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए। कूल डाउन ऑफिसर। ये तलवार नहीं है, टॉर्च है, देख क्या रहे हैं? बचपन में हम लोग लुका छुपी खेला करते थे ना, अब वही खेल अंधेरे में खेलें क्या? लाइट्स ऑफ। सर 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 मुझे बचाइए सर, सर बचाइए सर मुझे। Ha 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 ha!
रक्षक की पहनता और काम भक्षक का करता है। ये कानून तेरे बाप की जागीर नहीं जो तो उसका गलत फायदा उठा। भैया कह के अपने साथ रहने वाले सिद्धू को तूने बताया था कि तू मुर्दा घर में है, इसीलिए तो हम यहाँ पहुंचे। यही सिद्धू तो मेरा छोटा भाई सिद्धू है। ऐसे भी यकीनन तू शेर ही है और शेर का शिकार करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने तो जैसे शेर का शिकार करने के लिए बल का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग लगाया। बैंक के चेयरमैन को हार्ट अटैक से मौत की नींद सुलाने वाला और कोई नहीं, ये सिद्धू ही है। डमी गन दिखाकर फिल्म स्टाइल में टप 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 गोली चलते ही हार्ट अटैक से मर गया। भी चाहूं तो तुझे यही खत्म कर सकता हूं, लेकिन भैया भैया कहकर तूने भाई के रिश्ते का खून कर डाला साले। जा रे, पुलिस ने ही हमारे साथ धोखा कर दिया। इसे साथ ले जाकर मार डाला। हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी का क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? रास्ता तो बर्बाद हो सर। लोगों का कहना है कि मैनेजर की मौत की जिम्मेदार आप हैं। देखिए, हमारा इस मामले से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। इस मैनेजर को अरेस्ट करने वाला ACP वरुण नायक है।
अब एसीपी वरुण नायक कहाँ है? वरुण नायक यहाँ नहीं है। तो कहाँ गए हैं सर? हम लोगों से आँख बचाकर कहीं दूर भाग गया है। कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, इस मामले से वरुण नायक का बहुत गहरा रिश्ता है। इस बात का खुलासा ना हो इसलिए उसने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और हमारे डिपार्टमेंट को भी पता ना चले उसे ऐसी जगह पर ले गया और उसकी हत्या करके फरार हो गया है वो। आप सबका पैसा आपको वापस मिल जाए इसलिए वरुण नायक का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप मीडिया के रिपोर्टर बनकर आए हैं, रिपोर्टर का ही काम कीजिए। अगर पुलिस न्याय नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएंगे सर? देखिए देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग आवेश में आकर दंगा फसाद वगैरह मत कीजिए। मुझ पर भरोसा रखिए। आप लोगों को न्याय दिलवाने का काम मेरा है। अब तक पुलिस पर जितना भरोसा किया बहुत हुआ। चलिए हम सब सीएम साहब के घर चलते हैं। हमें इंसाफ मिलने तक हम लड़ेंगे। देखिए आप लोग वहाँ मत जाइए, मेरी बात सुनिए। चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। सीएम साहब के घर जाकर पथराव करना, स्ट्राइक करना, ये सब गलत बात है। भगवान के लिए मेरी बात मानिए। पुलिस डिपार्टमेंट, मेरी बात सुनिए। ऐसे लोगों को एक बार नहीं हजार बार बेवकूफ बना सकते हैं। डीआईजी साहब, मेरे बेटे के बारे में सबको जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों, तेरा बेटा हरीश चंद्र है क्या? हरीश चंद्र झूठ नहीं बोलते थे। ये बात जितनी सच है उतना ही सच ये भी है कि मेरा बेटा ईमानदार है। हेलो, लोगों को ये सब नजर नहीं आता। कौन हो तुम लोग? ये कौन है? हा? क्या हुआ इन्हें? कहाँ ले जा रहे हो इनको? ए हट हट, चल चल। ए रुको। क्या डॉक्टर, क्या हुआ? वो स्पेशल ऑफिसर को उठा के लेके जा रहे हैं। कौन स्पेशल ऑफिसर? एसीपी वरुण नायक को। आपको जो ब्लड चढ़ाया था इन्होंने ही दिया था। मुझे खून देने वाले भैया हैं? मतलब भैया को जल्दी करो, अंदर डालो इसे। सॉरी सॉरी। क्या चेक कर रहे हैं? एसीपी वरुण नायक है ना, उसे पकड़ने के लिए चेकिंग हो रही है। एसीपी वरुण नायक को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सभी गाड़ियां चेक कर रहे हैं। अब क्या करें? फोन दे, वो भाई से पूछेगा। क्या है भाई? यहाँ रास्ते में पुलिस वाले सारी गाड़ियां चेक कर रहे हैं भाई। ये आवाज कैसी है? यहाँ बहुत से लोग न्याय का नारा लगाते हुए वरुण नायक डाउन डाउन बोलकर जा रहे हैं भाई। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। बोलो। अब तो मेरी बात ध्यान से सुन।
भैया भैया ए भैया भैया देख मेरा हरी आया भैया, एक बार आके खोलो भैया, हे भगवान उठो भैया प्लीज, एक बार आके खोलो भैया प्लीज भैया भैया, बचपन से मुझे प्यार से मारते थे ना, अब भी उठ के मारो ना भैया, मारो ना प्लीज। घर में पिंकी भाभी माँ बाबा सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो घर चलते भैया। वो सब मुझे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, बताओ ना भैया मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, बताओ ना उन्हें क्या जवाब दूंगा। गुडविल बैंक के मैनेजर को मारकर करोड़ों रुपयों के साथ एसीपी वरुण नायक फरार हो गए हैं, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद ही बयान दिया है। पिताजी, पुलिस ने ही ऐसा किया है ये जानकर लोग आवेश में आकर दंगा फसाद करने पर उतर आए हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है, ऐसा हमारे संवाददाता ने हमें बताया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। फिक्र मत करो बेटी, डरने की जरूरत नहीं है, कोई जानबूझकर उसे बदनाम करने के लिए उस पर आरोप लगा रहा है, डोंट वरी मैं हूं ना। कौन है? कुछ नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल चलो उठो। दादी दादी मुझे भी दो ना। नहीं बेटा, मुन्ना रो रहा है। ओ मेरा बेटा कितना। दादाजी दादाजी मुझे भाई मिला है, ये बात दादी को मैं ही बताऊंगी, फोन दो ना। मैंने कॉल किया था बेटी, नॉट रीचेबल आ रहा है, रुको हरी को लगाता हूँ। हेलो। हाँ चाचू, गुड न्यूज, मुझे भाई मिल गया है, दादी को भी बताना है। कहाँ है वो? डैडी ड्यूटी पर है बेटा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है? अच्छा हाँ, लेकिन मुझे उन्हें एक बात बतानी है, आप ही उन्हें बता दो। क्या बताना है बेटा? मेरा भाई बिल्कुल डैडी जैसा है, यही बताना है। अच्छा चाचू, दादाजी को फोन दे रही हूँ, बाय। तुझे अक्कल वक्कल है कि नहीं? तू कहाँ है कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। भैया अपने काम से कहीं गए हैं पापा, मुझे उनका फोन आया था। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, यहाँ क्या हुआ है तुझे कुछ पता है? पता नहीं कहाँ चला गया। पापा भैया दूसरे ऑफिसर्स की तरह नहीं है पापा, ड्यूटी के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं पापा। ड्यूटी के लिए वो अपनी जान दे सकता है ये हम कहते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए जान ले रहा है, सब लोग यहाँ उसे गालियाँ दे रहे हैं, घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। मेरे बेटे से मैं नहीं मिल सकता और उसके बेटे से वो नहीं मिल सकता, ऐसी नर्क जैसी जिंदगी जीने का क्या मतलब? बेटा किसी भी तरह उसे तू घर लेकर आ जा। ठीक है पापा। वरुण, हरि कहाँ गए सब? हरि पापा पापा। ए भैया को। ए हरि देख इधर देख, तू मेरी एक बात सुन, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, वो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उसे गुप्त तरीके से अपना काम करते रहना पड़ता है। मुझे पता है वो जहाँ भी होगा जैसे भी होगा यहाँ जरूर आएगा, उसे बेटा पैदा हुआ है ना, उसे पता चलेगा तो उसे देखने के लिए जरूर आएगा, डोंट वरी, टेक इट इजी। ए बता मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है? क्या सर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए सर आपका इस मामले में कोई संबंध नहीं है, आप बेकार में बीच में मत पड़िए, बता कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? क्या श्री घर नहीं पहुंची क्या? ए नाटक कर रहा है तू। सर इसने ऐसा क्या किया है कि आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? इसने
मेरी बेटी को किडनैप करके कहीं छुपा कर रखा है। सॉरी, मेरा बेटा ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। ओह, तो ये भी आपका ही लड़का है। देखो, बैंक लूटकर पैसे लेकर भाग गया और ये आपका बेटा दूसरों की लड़कियों को किडनैप करता है। क्या परिवार है आपका। हरी, ये सही कह रहे हैं क्या? नहीं पापा, वो एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। एक बेटी के बाप की तकलीफ तू नहीं समझेगा। जा, जाकर उनकी बेटी को लेकर आ। अरे जाना। सर प्लीज हमें माफ कीजिएगा, किसी भी तरह आपकी बेटी को आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझ पे भरोसा कीजिए। हेलो, सिरी, अब सब कुछ देखने के बाद भी अपने दिल की बात छुपाऊंगा तो गलत नहीं होगा क्या? छी, अगर ये बात हरी को पता चली तो। हरी को याद करके कोई फायदा नहीं, हमारे आदमियों ने उसे अब तक खत्म कर दिया होगा। और जो उसका बड़ा भाई है ना, जो उसे जान से प्यारा था, उसे भी मैंने अपने इन हाथों से खत्म किया है। सिरी, 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 ये पार्क, सिनेमा, बाइक में घूमना फिरना, एंगेजमेंट, शादी, ये सब कुछ तुम्हारे साथ सपने में मैं कर चुका हूँ, सच में कर चुका हूँ। बस एक चीज बैलेंस रह गई है, सुहाग रात। डरो मत, डरो मत, हमारी फर्स्ट नाइट है ये। छोड़ो। ए, 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 ओ, अत्याचार बढ़ा है तब तक उन्हें मिटाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। मेरे भाई को धोखे से मारकर तुम लोगों ने अपनी मौत को ललकारा है। मेरा भाई शेर था और हमेशा शेर ही कहलाएगा, और तुझ जैसे पापियों का नाश करने के लिए वो पैदा होता रहेगा। कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच समझकर फिर बोला कीजिए। रखिए अपनी बेटी को अपने पास। सर, यहाँ एक लेटर है सर, शायद खूनी का ही लेटर होगा सर, मैं पढ़कर देखता हूँ। चुप हो जाओ राव। सच में अच्छा क्लू है सर, आप ही पढ़कर बताएंगे क्या सर? ओके, आइए आइए, प्रेस प्रेस वाले आइए आइए आइए। क्या लिखा है सर? पढ़ता हूँ सर, थोड़ा जोर से पढ़िए सर, जोर से पढ़िए ना। हाँ सर, हाँ।
ये एक कॉलेज स्टूडेंट है ऐसा सभी समझते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी खून का पता ना चले ऐसी चालाकी से लोगों का खून करने वाला एक खूनी है। गुडविल बैंक के चेयरमैन और मैनेजर को मारने वाला यही है। लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले इस कमीने और इसके सर पर हाथ रखने वाले उन सभी बड़े लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। डिपॉजिट करने वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आपका वरुण नायक। ए, ए, पहले सिद्धू ने, फिर उसके बाद तूने, बाद में मैंने, हैं? तेरा मिस हो सकता है, हाँ सिद्धू का भी मिस हो सकता है, लेकिन मेरा, मैं कौन हूँ? शंकर, सेक्शन शंकर, मारता हूँ तो आदमी मरता ही मरता है, बस कैसे मिस हो गया, कैसे मिस हो गया? आज तक इस सेक्शन शंकर के हाथों से कोई भी नहीं बचा, तो फिर ये कैसे बच गया, कैसे बच गया? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो बचा तो बचा कैसे? क्या? सीडी। ए, जाके लगा दे। ये भी मैं ही लगाऊं क्या? वो कमीना मेरे हाथों से बचा कैसे बस इतना पता चल जाए मुझे। ए, रोक 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 रोक, ये क्या कर रहा है यहाँ? ए, 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 भागा भागा भागा। ए, ए, रोक 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 रोक, रिवाइंड कर। मैंने अपने आदमियों को कहा था कि वरुण को चलती बस में फेंके, इसने बचाया तो वो मरा नहीं है, वो कमीना वरुण नायक अभी मरा नहीं है। हाँ? हाँ बोलो सर। नमस्ते सर, कहाँ हैं आप? पहले बताओ बात क्या है। वरुण नायक सर ने अभी थाने में फोन किया है सर। क्या क्या कहा उसने? नेक्स्ट अपने डिपार्टमेंट ने किसी बड़े आदमी को मारने को कहा है सर, और बड़े आदमी तो आप ही हैं ना सर। डर गए क्या सर? साला अब ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहाँ है वो वरुण नायक बता? साले, बता साले, बता, 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 बता। ए, मरते हुए आदमी को बचाकर हमारी मौत का मुहूर्त फिक्स किया था ना? हैं? बता कहाँ है वो? ए, वरुण नायक तुम लोगों की मौत है। वो तुम्हें खुद ढूंढ कर आएगा। तेरा भाई और तू मिलकर मुझे मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे। मुझे मारोगे तुम लोग? अगर वरुण नायक को मारना है तो इसे जिंदा रखना होगा। बेकार में मेहनत करके हम इसके मुंह से कुछ भी नहीं गुलवा पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ए, इस साले को उल्टा लटका दो। का समय हो रहा है, जल्दी आइए। डैड। हाँ क्या है बेटा? डैडी लड़के वाले आ गए हैं, सब तैयारी हो गई? हाँ हो गई बेटा, और लड़के वाले भी आते होंगे, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। ओके, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। ए शर्मा जल्दी करना, जल्दी कर। पिक अप, कम ऑन हरी। हेलो अंकल, हरी कहाँ है? फोन रिंग हो रहा है मगर वो उठा नहीं रहा है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना बेटा, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, हरी बताए हुए टाइम पर बिल्कुल पहुंच जाएगा। ओके अंकल। सूरज तो मेरे सर पे ही है। भैरो गायब हो गए। सिरी सच में भाग गई। सर नमस्ते सर।
सर वरुण नायक को पकड़ने का अच्छा मौका मिला है सर। कैसा मौका? आप उस जेबी प्रकाश की बेटी को जानते हैं? वो शिरीना? हाँ जानता हूँ उसे। वो वरुण नायक के भाई से प्यार करती है सर, ये बात उसके बाप को पता चल गई है, इसलिए वो उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती करवा रहा है। अब वरुण नायक वहाँ जाकर उस लड़की को किडनैप करने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सर। आप तुरंत वहाँ जाइए सर, मैं अपने बैच को लेकर आता हूँ। हेलो, आपकी बेटी जिस हाल में यहाँ से गई थी उसी हाल में यहाँ वापस लेकर आया हूँ। मेरा इरादा आपकी बेटी से शादी करने का नहीं था, मेरे मकसद को अंजाम देने के लिए आपकी बेटी ने मेरी हेल्प की है। श्री, मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। हरी, ये प्यार जो है सिर्फ सुख में नहीं, दुख और तकलीफ में साथ रहे तो ही इसकी अहमियत होती है। तुम जाओ। नमस्ते सर। अरे अरे भाई, थैंक यू भाई, तुम्हें किसी काम पे जाना है ना, जाओ 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 जाओ। चुप कर साला बेशरम कहीं का। शादी के दिन घर से भागी हुई लड़की को अपने मकसद के लिए अपने प्यार का बलिदान देकर से वापस लाकर हमारे घर की लाज रखी उस महानता के लिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यार, इस लड़के की जगह पे अगर मेरा नालायक बेटा होता तो वो श्री को कभी वापस नहीं लाता। ये हीरा है यार, कबूल कर ले। सुनिए जी, जहां तक मैं समझती हूँ हमारी बेटी को इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। आप भी इनके प्यार को अपना लीजिए। तुम्हारा मकसद क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे मकसद के साथ हमारा आशीर्वाद सदा है। जाओ, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे वापस आने तक मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार करेगी। बेफिक्र होकर जाओ। डीआईजी साहब कब आएंगे? ये पुलिस वाले जो है खुद को हीरो समझते हैं। हमें यहाँ आकर आधा घंटा हो गया और वो अभी तक नहीं आए। कॉल करता हूँ। आ भी गया तो क्या कर लेगा, उस वरुण को 6 महीने में पकड़ लूंगा यही बोलेगा वो। 6 महीने में नहीं, 6 साल में भी नहीं पकड़ेगा। कोशिश जारी है बोलकर आखिर में केस बंद कर देगा। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इससे पहले वाले डीआईजी को मार डाला, मुझे भी मार देंगे, इस बात का डर तो उन्हें भी होगा ना। हेलो, एग्जैक्टली, तभी तो प्रेस मीटिंग में आने से वो डर रहा होगा। सब रेडी है ना? डीआईजी साहब आ गए क्या? वो छोड़िए, आपके लिए कॉफी चाय नाश्ता सब कुछ आ जाएगा, खा पीकर आराम से बैठिएगा। वो कुछ कहेंगे आप कुछ लिखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? वरुण नायक के बारे में क्या एक्शन लिया है ये बात लोगों को पता चलनी चाहिए। अरे चुप रहिए, उस वरुण नायक के केस में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। राव जी। सर, ये इम्पोर्टेंट फाइल है, साहब को आते ही दे देना। सर। क्या सर, आप उन्हें क्यों सैल्यूट कर रहे हैं? ए, यही तो हमारे नए डीआईजी साहब हैं। सर, डीआईजी सर। फ्रेंड्स प्लीज, अब तक हुए हमारे डिस्कशन में कितने सवालों के जवाब मिले हैं तो कितने जवाबों से सवाल पैदा हुए हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? चार्ज लेने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? रेजिग्नेशन। ज्वाइन होने से पहले ही रेजिग्नेशन? अभी नहीं, इस पल से 24 घंटे के अंदर अगर मैंने वरुण नायक को गिरफ्तार नहीं किया तब तक ये लेटर अपने पास रखिए। सो प्रेस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। रघुराम, जिसका कोई कुछ नहीं कर पाया उसका ये क्या कर लेगा, यही सोच रहे हो ना? जस्ट वेट एंड सी। गुडविल बैंक के घोटाले में शामिल हुए प्रमुख आरोपी एसीपी वरुण नायक को ड्यूटी ज्वाइन करने के 24 घंटे में ही गिरफ्तार करने वाले डीआईजी साहब का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ठीक से प्लान किया जाए तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अपने सर्विस में मैंने ऐसे बहुत सारे केस हैंडल किए हैं, उसी एक्सपीरियंस से वरुण नायक को वक्त से पहले गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाया हूँ। सर, वरुण नायक से इंटरव्यू लेने के लिए आप परमिशन देंगे? नो चांस, कल वरुण नायक को कोर्ट में पेश करने से पहले उससे कोई नहीं मिल सकता। सुन लिया तुम लोगों ने, इस डीआईजी ने वरुण नायक को अरेस्ट किया है, कल उसे कोर्ट ले जाते समय उसका राम नाम सत्य हो जाना चाहिए।
चाहे गलती से भी सेक्शन मिस हो जाए चलेगा, कोर्ट में उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। उसकी बीवी को, माँ बाप को, बच्चे सबको, सबको यहाँ उठा कर ले आओ। जाओ उस वरुण नायक को बाहर भेजिए। वरुण नायक को बाहर निकालो। वरुण नायक को बाहर निकालो। न्याय दिलाएगा कि एकर अंदर छुपकर बैठा है। बाहर निकालो उसे। बाहर भेजो उसे। बाहर भेजो उसे। अबे इंसाफ चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो, ये डीआईजी बिल्कुल मेंटल है। जो जिंदा ही नहीं है उसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? उसकी बात मानकर तुम्हारे माँ बाप भी लोगों के साथ मिलकर वरुण नायक से मिले बिना इस जगह से नहीं हिलेंगे, ऐसी जिद पर अड़े हुए हैं। अब क्या करें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, काम कीजिए। हाँ ठीक है, बताइए। शांत 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 शांत, सब चुप रहिए। बात सुनिए, वरुण नायक हमारी कस्टडी से भाग गया है। अब चीखने चिल्लाने से वो वापस नहीं आएगा। जाइए। हमें हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? सर, वरुण नायक भाग गया। सर, व्हाट? वरुण नायक भाग गया? हाँ सर, उस वरुण नायक को आपने अरेस्ट किया था, ये बात जितनी सच है, वो भाग गया ये बात भी उतनी ही सच है। अरे, हमारा वरुण भाग कैसे सकता है? छे छे। ज्यादा होशियारी की तो कुसर दूंगा। उधर देख। चिल्ला मत, गाड़ी में बैठ। सर सर, उस वरुण नायक की फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया सर। यस, जो सोचा वही हुआ। राव जी, 24 घंटे के अंदर वरुण नायक को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा कहा था मैंने। अब 24 घंटे के अंदर ये केस क्लोज करके दिखाऊंगा। भाई, पहले आप खाली बोतल का धंधा करते थे क्या? मजाक कर रहा था भाई। भाई, यहाँ हमारे आदमी वरुण की फैमिली को किडनैप करके ला रहे हैं और वरुण जेल से भाग गया है, उससे हमें खतरा हो सकता है। अरे भाई, इतने दिन लोगों को लूटकर जो जायदाद बनाई थी वो मुस्टंडों को देना पड़ेगा, ये सोचकर आप घबरा रहे हैं। ए बुढ़े, वरुण नायक को क्यों पैदा किया बे? मुझे मारने के लिए क्या? इसकी उम्र से ही मर्डर करना शुरू कर दिया था मैंने। पता है क्या, कितने सारे खून करने के बाद भी एक भी केस में फंसे बगैर हैप्पीली हेल्थी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तेरे इन बच्चों ने मेरा बीपी शुगर दोनों बढ़ा दिए। ए, तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिलाऊंगा, देखता जा। ओ, मुन्ना किसका है? वरुण का है क्या? ओ, अरे ये क्या भाई, वरुण के आने से पहले उसके बेटे ने आपका पसीना निकाल दिया। ए, इस उम्र में ही इतनी चर्बी है तुझे? बच्चा 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 भाई, बच्चा है। क्या हुआ? ये तो मासूम है, इसने क्या गलती की? उसका बेटा बनकर पैदा हुआ, यही इसकी बहुत बड़ी गलती है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो अब तक आया क्यों नहीं है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? अकेला क्यों आया है बे? कहाँ है वो साला वरुण नायक? हाँ, मुझे वो चाहिए, तू नहीं। ए, तुझे एक छोटी सी मोहलत देता हूँ, जाओ उसे लेकर आ। अगर आने में देर हुई तो 10-10 मिनट में एक एक की लाश बिछाता रहूंगा, एक भी नहीं बचेगा। जा जा। चाचू चाचू चाचू, जाजी को लेकर आओ चाचू, नहीं तो हम मुन्ने को मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू, जाजी को लेकर आओ चाचू, प्लीज चाचू। जा बे, जा। अब आएगा तेरा बेटा। क्या है भाई? अरे ये क्या भाई, ये गाड़ी के पार्ट्स क्यों उखाड़ रहा है?
से आते हुए देखकर भाई का तो पिचका निकल गया। तेरे मारने से डरकर मैं तेरी फैमिली को छोड़ दूंगा, समझ रहा है? चल जा जा, उसे लेकर आ जा। क्या हुआ, उसे डर लग रहा है क्या? ए, तुझ जैसे फालतू गुंडे से वो डरने वाला नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। अरे जा उसे लेकर आ, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए। जा लेकर आ। ए, तेरा बाप बोल रहा है ना, जाना जा लेकर आ उसे। जा, जा तेरी। अबे कहां से लेकर आऊं? हां ये तू क्या कह रहा है बेटा? इस ने भैया को छुरा घोप घोप कर मार डाला पापा। अरे बाप रे, लगता है इसके ऊपर शैतान सवार हो गया है। देख उस बच्ची की तरफ देख, फोन करके कह रही थी चाचू मेरा भाई आया है। ये बात मुझे डैडी से कहना है, आप उन्हें फोन दे दीजिए। मैंने कहा नहीं बेटा, डैडी बात नहीं कर पाएंगे। कैसे बताता कि मैं उनकी जिद को आग लगा रहा हूँ? कैसे बताता? जब वही नहीं रहा तो ये क्या चीज है? मारो साले को, मारो। देख देख देख, एक सुहागन की तरह जी रही मेरी भाभी को देख। कैसे कैसे बताता उनका पति वापस नहीं आएगा? देख, अरे तेरे भाई के हथियारों को मत छोड़ना, सबको खत्म कर दे। भगवान बच गया बहन, मेरा क्या होगा? सर सर, इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। देखिए सर, कितने लोगों को इसने मार डाला है सर। देखिए सर, मुझे मुझे भी मार डालेगा सर। सर सर, सिद्धू अढ़िया जी को इसी ने मारा है सर। सर मुझे तो लगता है पैसों के लालच में आकर के इसी ने वरुण नायक को। वरुण और मैं 4 साल तक साथ काम कर चुके हैं। वरुण कैसा इंसान था अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना बड़ा इशू होने के बाद भी वो यहाँ नहीं आया, मतलब वो जिंदा नहीं है, इस बात का मुझे यकीन हो गया। अरे मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता हूँ, इस धरती पर से इसका नामो निशान मिटा दो। ऑफिसर्स, सर हमेशा कहानी खत्म होने के बाद आते रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, सो रिलैक्स एंड एंजॉय। अरे अरे रुक जाओ, अरे मीडिया वाले आ रहे हैं, रुक जाओ, हथियार फेंक दो। अरे हरी हथियार फेंक दो, मेरी बात सुनो हरी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुके रुके रुके, सब बताइए सर, इनको किसने मारा?
वरुण ने, एसीपी वरुण नायक ने, जाइए फोटोग्राफ लीजिए, जाइए जाइए। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर, मैं निर्दोष हूँ सर। सर उस गुडविल बैंक के पैसे कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ सर। वरुण के नाम से वो पैसे आप लोगों को लौटा दीजिए सर। सर इस कमीने ने क्या क्या बुरे काम किए मैं आपको बताता हूँ सर। सर आपके लोगों से कहिए ना सर मेरा एनकाउंटर ना करे प्लीज सर। इंस्पेक्टर इसे गिरफ्तार कर दो। नींबू ले लो भाई, आपके बाल बच्चे अच्छे होंगे। पापा तेरे भाई के मरने की खबर किसी को बताए बगैर अपने मन में रखा, इतने दिनों तक बर्दाश्त कैसे किया बेटा? हरी सर, ये वर्दी पहनकर जो काम हम नहीं कर पाए वो वरुण नायक के नाम से तुमने कर दिखाया। वरुण नायक हमें छोड़कर कहीं नहीं गया है, इस बच्चे के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेगा। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। यस सर। अखिल सत्यम अचल नित्यम सबल शौर्यम अमृत शौर्यम निरत सत्यम।